गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपको हम निकाल के ले आए हैं स्टूडियो से बाहर, और अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ उरुसा और बनीता हैं, और हम तीनों यहाँ इसलिए मिले हैं क्योंकि दोस्त क्यों मिलते हैं, देखो भाई दोस्त इसलिए मिलते हैं कि फिल्म देखने जाना है, दोस्त इसलिए मिलते हैं खाना खाने जाना है। ये देखो, और दोस्त इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमें शॉपिंग करने जानी है। शॉपिंग और दोस्त इसलिए भी मिलते हैं कि बुराइयां करनी होती है, पेट हल्का हो जाता है, और जब शॉपिंग जब दोस्त ने मिलके कर रही हो तो उसका जो मजा, अच्छा बताओ, बिल और मजा है, मजे से ज्यादा तो बिल बन रहा है। लेकिन एक बात बनो, दोस्तों के साथ शॉपिंग करना इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोस्त बीच बीच में जेलस भी हो रही होती है, तो कभी कभी वो गलत मशवरा भी दे देती है, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि वो अच्छा नहीं लग रहा, पीछे से ताली मार रही होती है, पीछे से ताली मार रही होती है, ये दिलाओ इसको, ये दिलाओ, अच्छी दोस्त बुलाया इसको। जी जी बिल्कुल, शॉपिंग करें। अच्छा, दोस्तें जब मिलती हैं तो क्या शॉपिंग के अलावा वो क्या क्या करती हैं, आते जाते छेड़ती भी है? तो हम लोग, मैं तो देखती हूँ, रहती हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को पहने हैं, अच्छे पहने हैं, फैशन में क्या, मुझे तो ऐसे पता चलता है साफ से। मुझे तो ये और होता है कि किस लड़की ने कौन सी लॉन पहनी हुई, सलवार के पैंचे छोटे हैं या बड़े हैं, या उन्होंने बेल बॉटम्स पहनी हुई है, अच्छा किसने नोज रिंग पहनी हुई है, किसने बालों का स्टाइल कैसे रखा हुआ है, तो मैं उन शॉपिंग कब करती हूँ, यही मैं इसको पूरा दिन चाहिए शॉपिंग के लिए, मैं ऐसा करती हूँ, मैंने पूरे अमेरिका के ट्रिप में भी यही किया, शॉपिंग भी करके आई हूँ इतनी। देखिए मेरा स्टार है ना, उस स्टार में लिखा मैं बहुत अच्छी ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं बहुत जल्दी ऑब्जर्व भी करती हूँ, पिक भी कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है लोगों को लाइक पिक करना, ऑब्जर्व करना लोगों की क्या है, किस तरह से चली से। निदा ने ये शानदार नेट का दुपट्टे के ऊपर जो पर्ल्स लगाए हैं, ये मुझे अब आइडिया मिल गया कि ये आप इस तरह से पर्ल्स लगाएंगे तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मॉडर्न भी लगाएंगे, बूंदिया, दिस इज कूल, अच्छा लग रहा है। जी जनाब, आज हम तीनों मिलकर, वैसे तो हमें मौका नहीं मिलता, साफ बात है, इस प्रोग्राम के थ्रू मौका मिल गया है कि हम तीनों मिलकर शॉपिंग करें मजेदार तरीके से, और खाना वाना तो नहीं हो सकता, इसलिए बिल्कुल फोकस हमारा है शॉपिंग के ऊपर। लोग पहले कपड़े लेते हैं मगर हम पहले चूड़ियां लेते हैं, क्योंकि चूड़ियां जो है ना, उसके बगैर चूड़ियां के बगैर तो लड़कियां अधूरी हैं। हाँ, चूड़ियां नहीं होंगी तो क्या बात हो, यहाँ पे क्या अभी हम चूड़ियां लेंगे ना, पहले बातें तो कर लो, बना ले, हाँ छुपा लो अभी, पहले हम लिस्ट बना ले। अच्छा, हमने क्या क्या शॉपिंग करनी है, चूड़ियां, अच्छा रमजान है तो खाना नहीं कर सकते, ठीक है, चूड़ियां, ज्वेलरी, कपड़े, मुझे बैग लेना है, बैग, जूते और बेडशीट, मुझे बेडशीट लेनी है, ठीक है, गाने और मुझे अपने घर के लिए बैग्स भी लेने हैं। मेहमान आते हैं ना जब ईद पर, तो मेरा दिल चाहता है हर ईद पर डिफरेंट टेबल सेटिंग हो, मगर वो पिछले वाले मैट्स है ना, वो फिर वो जाया हो जाते हैं। हाँ, तो मेरा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और शेफ नाइट ने कितना सिखाया है आपके बहुत बहुत बहुत, तो कम से कम मतलब ईद के दिन तो उसको अप्लाई करें। हाँ ना, दैट्स गुड। तो इसका मतलब आज हम बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग करने वाले हैं, और उस ढेर सारी शॉपिंग में आप भी हमारे साथ दे सकते हैं। आप ऐसे चीज करके बताइए, उरुसा अगर कोई कपड़ा खरीद रही और ये पूछे ये लूं, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, रूसा जी ये आप पे सूट कर रहा है, ये तो कपड़ा इनको मिलेगा फिर या मुझे मिलेगा क्या, नहीं नहीं वो आपको मिलेगा, आपके फैंस आपको उस दिल से भी बता क्या आप पे क्या सूट कर रहा है। फिर अगर विनीता जो है वो शूज 4-5 पहन के दिखाए और आपसे पूछे कि मैं ये लूं, आप SMS करके बताएंगे आपके बनीता के पैर पर कौन सा शू अच्छा लग रहा है, बनीता के पैर पे सारे जूते अच्छे लग रहे हैं। ये बेसिकली आज का प्रोग्राम है, मतलब शॉपिंग हम करेंगे मगर मशवरे हमें कौन देगा, आप लोग, और मशवरे के बगैर शॉपिंग हो ही नहीं सकती, मैं तो खैर नहीं कर सकती, बिल्कुल। तो लाइव हमारे मैसेजेस हो रहे हैं, हमें मिलते रहेंगे मैसेजेस, हम पढ़ते रहेंगे और हम ये बात जो है वो मानते रहेंगे कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है अपने फैंस की पसंद की, अपने व्यूअर्स की पसंद की, ठीक है ना भाई। आज का शो बड़ा मजेदार होने वाला है, सुबह सुबह रोजा रखने के बाद और फिर से शॉपिंग, सुबह सुबह रोजा रखने के बाद और फिर से शॉपिंग करेंगे तो सबर भी होगा, सबर बंदा सोच के भी करेगा और टाइम भी जल्दी गुजरेगा, टाइम पास क्योंकि उसको खाने की टेंशन नहीं है, तो उसको कोई यहाँ पे टेंशन नहीं होगी, वो कॉन्सेंट्रेशन से सिर्फ अपना सामान खरीदेगा, और यहाँ लोग भी कम होंगे, लोग भी अभी नहीं है, तो बनीता का कॉन्सेंट्रेशन तो पूरा शॉपिंग पे आज होगा, और दुकानदारों का भी कॉन्सेंट्रेशन, दुकानदारों का उनकी तो बिस्मिल्लाह। मैं अभी से ये सोच रही हूँ कि मुझे चूड़ियाँ कौन से कलर की लेनी है और मेरा ड्रेस कौन सा, हमेशा जो चूड़ियाँ हम लेते हैं ना अफशां गिर जाती है उसकी, और मुंह पे
मुझे तो लगता है कि मुंह काला लगने लगता है कुछ देर बाद, अच्छा चिपक जाती है तो मुंह काला लगने लगता है। मुझे बाप पे लगता है, भाइयों पे भी लगा होता है, अगले दिन पापा भी दाढ़ी में चमकते होते, कितने क्यूट लग रहे होते, सारे घर वाले जो है वो अफसा से भरे हुए। और जब बहुत सुबह सुबह शीर खुरमा खाओ, चूड़ियां पहनी हो, फिर इस तरह से बाल पीछे करो या माथे पे चमक लगती है ना, और यहाँ से हवा चल रही हो और यूं बाल उड़ रहे हैं, और मेहंदी की खुशबू, पीछे से वॉयलिन, आप बिरयानी खा रहे हो, आप बिरयानी खा रहे हो, सामने मेहंदी की खुशबू आ रही हो, और ये चाय की ट्रे लेके यूं एंटर हो रही हो सर पे दुपट्टा रख के, पूरा वही सीन बना रही है। ऐसा नहीं, ये लोग बड़ी शर्मा रही है, बड़ी शर्मा रही है। इससे पहले की ज्यादा शर्माए, मैं अभी से बता दूं कि इसकी शादी की शॉपिंग नहीं है, ये हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। और इसमें आप फिर क्यों से ये शर्मा क्यों रहे आप, प्लीज इसे पूछ। अरे मैं शर्मा इस बात पे रही हूँ जिसने इसने कहा कि सर पे दुपट्टा और के मेहमानों के सामने खाना लेके जाए, उस बात को मैं दिमाग में रख के शर्मा रही हूँ। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले सकते हैं हम कि नहीं ले सकते? अच्छा, वो असल में ब्रेक कहीं गई भी है अपनी खाला के घर तो तब तक हम अपनी फुप्पो के घर चले जाते हैं। हाँ। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपका होना जरूरी, इसलिए आपने हमें बताना है कौन सी चूड़ी लो, कौन सी बेडशीट लो, कौन से जूते लो, कौन से कपड़े लो और कौन से बैग जेवर लो, झुमके लो। आप अगर होंगे मैसेजेस करेंगे तो हमारी शॉपिंग कम्प्लीट होगी, नहीं होंगे तो फिर हम ऐसे ही घूमते रह जाएंगे, विंडो शॉपिंग करते रह जाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए निदा यासर उरूसा और बनीता के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नुरुजा आ गए, क्या करिए, बैग क्यों करिए? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम यहाँ चूड़ियों के स्टॉल पे खड़े हैं, हम चूड़ियों से शुरुआत करें। पता नहीं क्यों ये चूड़ियां दिल को अच्छी लगी, काली वेलवेट की ना, हाथ इसमें गोरे गोरे गोरी अंकल आई लादे मुझे काली काली चूड़ियां, ये बड़ी मुझे अच्छी लगी। मुझे ये प्लेन काली भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। प्लेन काली के अंदर उन्होंने कुछ ग्रीन कलर की साथ में उन्होंने वो कुछ कड़े से डाले हैं, ये बहुत अच्छी लगी है, ये है ना। हाँ, तो मैंने एक तो ये अपने मेरी ड्रेस के साथ जा रही थी, मैंने ये पहन ली और साथ में मैंने ये कुछ रेड कलर की पहनी है। ये कितनी मजे की चूड़ियां, आओ जरा चूड़ियां देखते हैं। कैमरामैन प्लीज आप हमारे, लेकिन आपकी बहुत अच्छी लग रही है प्लेन। हाँ यार, मुझे बड़े, आओ रूसा इधर आओ, इधर आओ ना, किसी फिल्म की हीरोइन लग रही हैं आप। यार मैं चूड़ियां वैसे पहनना भूल गई हूं, हीरोइन, लेकिन मुझे ये पहन के ना एक तो चुभ नहीं रही है, वेलवेट है, मजा आ रहा है, है ना। ये जरा भाई साहब माइक दो ना, भाई मैं भाई साहब से कैसे बात करूं। हाँ अच्छा, मुझे जरा बताइए आप पकड़ लेंगे, क्या हिसाब दिया है, ये क्या हिसाब है, ये वाली थोड़ी माइक ऊपर करो और माइक हिलाना मत। सबसे अलग अलग प्राइस है, डिफरेंट प्राइस है सबके। अच्छा, ये जो है आजकल वेलवेट की इन हो गई है चूड़ियां, बहुत चल रही है आजकल, न्यू डिजाइन आया वेलवेट में आजकल बहुत चल रहा है। कलर कौन कौन से, इसमें कलर्स मल्टी है, ज्यादातर मल्टी है और बाकी ब्लैक कलर। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुने, वेलवेट की चूड़ियां अगर हम ले लें और उसके बाद हमें लड़कियों को बिरयानी ईद के दिन बनानी होती है और चूड़ियां पहन के वो शीर कोरमा बना रही होती है, तो अगर पानी लग जाए, ये इसकी गारंटी है पानी की खराब नहीं होती, वेलवेट नहीं है, हो जाती है, पर ये नहीं है कि आपने पहनी और दो दिन पानी में। ये सब मल्टी कलर है इसके, ये तो अपनी बेटी के लिए ले लो, मैं भी लूंगी, मेरी भाभियों के लिए, बड़ी डिसेंट लग रही है, जबरदस्त। अच्छा, इसमें है क्या, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर है, पर्पल कलर है, ऑरेंज है, रेड है, ये फूशिया पिंक कलर, फूशिया पिंक है और उसके चेरी रेड भी है, चेरी रेड भी है, येलो, इतने सारे कलर्स, इतने सारे कलर्स हैं, सारे कलर्स। अरे ये क्या है, ये वाली, ये आप ये देखिए, ये कैसी चूड़ी है, निकाले डब्बा उठाएं, हम दिखाएं ना, ये क्या है, ये कौन सा कैमरा है, इसका पैनक भी बना सकते हैं, इसमें दिखाऊं क्लोज, ये या वो, ये देख, हाँ ये देखिए जरा, ये कैसी है ना, बहुत अच्छी, डिफरेंट लग रही है ये। हाँ। ये कड़े नुमा चूड़ियां है, शीशे की ना, ये कड़े नुमा शीशे की चूड़ियां है ना, कांच की चूड़ियां है, कांच की चूड़ियां है, ये कांच की चूड़ियां, पर ऐसे कड़े वैसे प्लास्टिक के पहले पहन सकते हैं अरूसा, लेकिन इसको तो मैं चश्मा भी यूज कर सकती हूँ, है ना, तब आज मैं देखी, और आवाज छन छन, बहुत छन छना आवाज आ रही है, हाय हाय, आपको तो यासर भाई ने बड़ा बोलना है। अरे निदा कहाँ घूमती फिर रही हो तुम,
अच्छा ये मैंने एक तोड़ दी, सॉरी गिर गई। अच्छा मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखा रही हूँ लोगों को ताकि उनको पता चले आज ये हमारे ममारों के जमाने में ऐसी चूड़ियाँ होती हैं। आई थिंक नाउ इट्स इन फैशन नाउ। ये वाली है ना भैया, ये हम लोग की माँ याद है ऐसे घरों में ये प्लास्टिक है या ये कांच है? सब कांच की है प्लास्टिक। ये भी प्लास्टिक का इंपैक्ट है। एक और चूड़ी होती है जो बड़ी मशहूर, मेरी अम्मी बहुत शौक से पहनती है, मीना 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 की चूड़ी होती है, प्लेन वो नहीं है। हाय हाय हाय, जो प्लेन है वो रोजमर्रा वाली चूड़ी है। मीना की चूड़ियाँ का जो ना वो बड़ा, बट आई सी के ये सारी चीजें जैसे मम्मी लोग के वक्त में भी मल्टी कलर ज्यादा था। आपके पास भी मल्टी कलर ज्यादा है? जी मल्टी कलर, इसमें ज्यादा इंग है आजकल चलता है इस तरह। मैं तो बहुत खुश हूँ इन चूड़ियों के साथ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। ईद का तोहफा दे रही है? नहीं, वो इसका तोहफा दिया नहीं, बिल नहीं देने वाले तुमने। ये देखें या ये बहुत अच्छी थी, ये भी मतलब बड़ी प्यारी। और एक या दो भी पहन के मतलब बहुत कूल लगता है, कैजुअली मतलब अच्छा भी लगता है। मेरे ना इतने अभी तो सूखे हैं ही, शादी से पहले और भी सूखे हाथ होते थे, तो मैं क्या करती थी, चूड़ियाँ लेती थी, तो चूड़ियाँ कोनी से इधर चली जाती, इतना गुस्सा आता था। दुबले हाथ होंगे ना, इतनी दुबले हाथ थे और मेरे ना कुछ साइज ही नहीं मिलते थे। अच्छा क्या क्या बड़े से बड़ा साइज चूड़ी का कौन सा है और छोटे से छोटा कौन सा? सबसे छोटा साइज दो का होता है और सबसे बड़ा साइज तीन का होता है। अच्छा भाई मेरा बताओ क्या साइज है? सवा दो का साइज है ये। सवा नहीं, मेरे वैसे हाथ का साइज क्या है? दो ही आता है। सवा दो पहनो, दो नहीं पहनो, दो नहीं आएगा। अच्छा आप अकली ना हो जाना मजीद दो के चक्कर में। अच्छा अगर जो कपड़े हैं, अगर जो कपड़े हैं वो काले रंग के हैं या सफेद रंग के हैं, अगर उसके साथ मैचिंग करनी है तो क्या मल्टी कलर की चूड़ियाँ चलेंगी उसके साथ? जी मल्टी कलर की चल जाएंगी, और अलग से मैचिंग कहेंगे तो मैचिंग भी हम बना देते हैं सूटों की। अच्छा व्हाइट या ब्लैक की मल्टी कलर सबसे अच्छा लगता है ना? प्लेन ब्लैक पहने, प्लेन व्हाइट पहने। अच्छा मेरी अम्मी तो मुझे कभी प्लेन ब्लैक चूड़ियाँ ना पहनने देती। क्यों? अम्मी कहती नहीं भाई इतनी प्लेन ब्लैक, इसमें कुछ कलर डाल दो। मुझे तो इसलिए अच्छी लग रही है, डिसेंट लग रही है। मल्टी कलर कुछ और आप पहने ना पहने, मतलब लाइक आपने मेरी अम्मी कहती है यहाँ पे भी एक ढिंचा कड़ा और यहाँ पे भी एक ढिंचा कड़ा। ढिंचा कड़ा क्या होता है? मतलब कि फुल भड़कता हुआ कोई 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 आपके पास ढिंचा कड़ा है? ढिंचा ये सारे ढिंचाक है, ये देखो ये भी ढिंचाक 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 ढिंचाक, जैसे इसने जो ये किया हुआ ना ये भी मम्मी मान लेंगे। अम्मी मान लेंगे अभी तो चूड़ियां पहन के आई है, पहने में इसने रंग भी पहना। एक्चुअली ये है ढिंचा, ये ढिंचक चूड़िया है, ये श्वाएं मारती हैं। बिजली जाए एक मोमबत्ती इसके आगे जलाए आपका कल पूरा कमरा रोशन। अच्छा वो चूड़ियां कौन थी जो अफशा पूरे घर वालों के मुंह पर लग जाती है? हाँ वो चूड़ियां बताओ, वो चूड़ियां कौन थी? डिस्को चूड़ी, डिस्को चूड़ी। डिस्को चूड़ी नहीं है मैम, वो नहीं है। ये इससे भी डिस्को नहीं निकलेगी? नहीं ये डिस्को नहीं। अरे अरे थोड़ी क्या आ गई है, ये क्या क्या बनाने लग गए आप लोग? ये क्या शीशे की है? जी भी शीशा है, इस पे थोड़ी सी डिस्को लगी हुई है। दिखा रहे हैं अल्लाह, मैं कितनी पतली दुबली सी लड़की, उसके ऊपर ये चूड़ियां पहने की तो कितनी प्यारी लगी। कैमरा है ये देखो। ओके ओके बहुत अच्छी चूड़ियां ये। हाय ये भी एक और मुझे नजर आई है, जरा मैं इस पे हाथ मारूंगी। कितनी कलर, ये मेरे खालदा बहुत पहनती है ऐसी। खालदा वो घर में है ना खालदा? हाँ वो ऐसी कलर की, उसके 24 घंटे चूड़ी। वो लोग तो काम कर रही होती है, बर्तन धो रही होती है, और उनका अरसा नहीं निकलता। अरूसा उनकी चूड़ियां नहीं टूटती हैं। और देखो जरा ये देखो, छुपाई डिफरेंट है ये वाली। हाँ ये वाली नहीं, हाँ माल छुपाया हुआ है ये बेचारा। ये क्या पोल का डॉट है? सारी चूड़ियां बेचारा फिर सुलझाता ही रह जाएगा। सारे ऊपर लगी हुई है, लगी में ऊपर नजर नहीं आ रही। एक एक चूड़ी देखिए जरा। ओह वाओ दिस येलो इज टू गुड। आजकल मुझे लग रहा है मोटी मोटी चूड़ियों का फैशन आ गया है, क्योंकि पतली चूड़ियां टूट जाती हैं इसलिए। हाँ अच्छा भैया बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी सारी चूड़ियां गिफ्ट करी। भी मालिक बना, ये देखिए। मैं तो ऐसे ईद पे जोड़ा बनाने वाली हूँ, मुझे आइडिया मिल गया। तुम्हारा जोड़ा कैमरा मुझे तो चूड़ियों से आइडिया मिल गया। बता तो दो कौन सा कैमरा है, कहाँ है? फुल टेक्निकल चल रहा है। हाँ पता नहीं सरप्राइज दे के कैमरा ऊपर ऊपर। अच्छा और ले और डिफरेंट दिखाओ जरा, मैं लोगों को दिखाऊंगी। मैडम पूरी दुकान बर्बाद। ये क्या है? नहीं ये तो मल्टी कलर है ना, कोई अलग से। एक मिनट वहाँ जाके देखती हूँ। मुझे सबसे तो अच्छी लगी, मैं लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि भैया वो शॉपिंग करने आएंगे जब पार्क टावर्स ना। ये जो वेलवेट वाली चूड़ियाँ थी ना यार, ये देखो इसमें वो डिफरेंट, उसमें वो भी मेरे ख्याल से धागा बंधा हुआ क्या, इसमें अच्छा लगी। ये देखो यार ये पहले एक एक दो दो कड़े मिलते थे, ये तो लग रहा है कहाँ दिखाऊंगे। ये क्या है, पत्थर पे बनाया हुआ? पत्थर पत्थर अच्छी है, पत्थर नहीं है, ये वो नहीं होते
वो गुड़िया होती है ना चाइना की गुड़िया, एक के अंदर से खोलो दूसरा निकलती है तीसरी, ये उस तरह की चूड़ियां, ये मटेरियल भी वही है, इतना प्यारा यार। ये तो आप क्लोज दिखाएं, ऊपर से ना दिखाएं, इसके ऊपर धब्बे धब्बे पड़े हुए हैं ग्रीन, और ये काश मेरे पास 4000 हाथ होते ना तो मैं जरूर पहनती। 500 का सेट है, एक सेट में कितनी दर्जन 18 पीस होती हैं, 1.5 दर्जन यार बहुत अच्छी है। अच्छा ये कितने का है जो मैंने पहने? ये 500 का, 500 रुपए का। और ये जो पहनी है कितनी? ये भी तकरीबन इसी प्राइस में 450-500 इस तरह की। ये वेलवेट है, ये दूसरे कलर्स में। ये देखिए जरा, आप लोग ऊपर से कैमरा दिखा सकते हैं, ये नजर आ रही है वेलवेट की चूड़ियाँ? नहीं लेकिन वेलवेट की चूड़ियाँ वो निदा ने जो पहनी वो कितने की है? ये 450 का सेट है। 450 का, इतनी महंगी वेलवेट की चूड़ी? वेलवेट की चूड़ी ओरिजिनल लोकल है, पानी में भी खराब नहीं होगी। 450 रुपए की महंगी नहीं है निदा? क्या आपने जो सेट पहना है 450 रुपए का है? ये जो मैंने पहनी है सही है, महंगी सस्ती है भाई, ये पता नहीं मुझे आईडिया नहीं, बहुत जनों ने तमीज से रखी जाए तो ये अच्छा लंबा चीज है, क्वालिटी अच्छी है, वेलवेट ओरिजिनल है। हमारी चूड़ियां कितनी प्यारी लग रही, कहां से ली? हां बहुत अच्छी। अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई लोगों, ओह गॉड ये क्या स्टाइल है, ये तो कोई वैरायटी वाला चूड़ी वाला है भाई, इसको तो मिस नहीं करना आपने। आएंगे पाक टावर्स के बिल्कुल मेन उस पे जो अच्छा एंटर होते ही, ये देखो ये तो इन्होंने इतनी, क्या हिसाब है, ट्रायंगल चूड़ी 400 का सेट है ये। सीरियसली मैं सच कह रही हूँ कि ये इतनी सारी वैरायटी मुझे नहीं कहीं और मिलती है। हाँ, जो बात मतलब है। बहुत दिनों बाद आई हूँ चूड़ी वाले के पास, और जैसे ये पोलका डॉट के पास बाकायदा टॉप का माल है, टॉप का माल जिसे कहते हैं, डिफरेंट माल है, अनयूजुअल यूनिक चीज है। पोलका डॉट्स वाली कौन सी है? पोलका डॉट्स के अलावा ये देखो ना, ये भी कितना डिफरेंट स्टाइल है, का बनाना है ये भी बहुत अच्छा है, गोल्डन लगाना है, ये वाला देखो, ये वाला भी कितना अच्छा है, बनाना है लगाना है। और फूल फूल बने हैं जैसे आप लॉन के कपड़े पहन रहे हो, ये मैं आपसे कहने लगी थी, देखिए अगर लॉन के आपने कपड़े पहने हो फ्लोरल तो उसके ऊपर ये फूल बने हुए हैं, ब्लैक लगवा लें, कितनी अच्छी चूड़ियां हैं भाई, ये देखिए ब्लैक लगा, ये अलग है, दो दो चूड़ियां साइड में लगा लें इस पे, नहीं नहीं फूल बने हुए उस पे, फूल पत्ते बने हुए, किसी लॉन के ड्रेस पे आप पहने तो बड़ा कांच है, सब लग रहा है प्लास्टिक है, और ये कांच है इम्पैक्ट, तो प्लास्टिक की चूड़ियां हैं क्या? हालांकि मजा तब आता है जब प्लास्टिक की होती है और कांच का इम्पैक्ट दे रही है, उल्टा हो रहा है, तो वो टूटते नहीं है ना, वो ज्यादा लंबा रह जाते सेफ रहती हैं। कितना अच्छा सेट बनाया रोसा, मैं भी भाभी के लिए। अच्छा चलो हम तीनों एक मुकाबला करते हैं, ठीक है? ठीक है हमारे पास है अब 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स में हम तीनों में से जिससे सबसे अच्छा सेट बनाया उसे वो सेट गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? ठीक है तो रेडी गेट सेट गो, आप अपनी मर्जी से चूड़ियां तलाश करें, तुम बना लिए मेरे। चलिए जी मुकाबला शुरू हो रहा है, देखते हैं आप लोग जज हैं, आप लोगों ने बताना है कि सबसे अच्छी चूड़ियों का सेट किसने बनाया है, और सारी चूड़ियां मिक्स करके बनाना है, देखना ये है कि कौन सबसे अच्छा बनाना है, एक सेट बनाना है उसी में सब डालेंगे आप। कौन है? हाँ भाई अभी भाई रुक जाओ, हमें मम्मी थोड़ा सा मौका दे दो भाई, अभी रुक जाओ, बीच में हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम जल्दी निकलो बाहर। वो पोलका डॉट्स वाली टांग गई, हाँ भाई कितना टाइम हो गया? मेरे हो गए हम मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला मेरा हो गया, मैं मुकाबला कर रही थी, मैं यहाँ थोड़ी होती। 4 3 2 1 चलो भाई खत्म हो गया मुकाबला, निदा जीत गई। हाँ भाई देखे भाई मेरा सेट, बनीता आओ जरा अपना लाओ इधर लाओ, टॉप यार मेरा मैंने दो बनाए, चीटिंग नहीं करो तुम मेरी, नहीं चीटिंग नहीं की, मैंने दो बनाए, लाओ इधर लाओ कैमरा वाला जो है ना वो ऊपर से दिखाएंगे, ये देखे मुकाबला हो रहा है। उसका तुम्हारा का है? मेरा वो नहीं, मुझे निदा नहीं नहीं अपना उठाओ ना, दूसरा दो वाला भी दो, रेड और ब्लैक वाला, मेरा ये वाला, एक्चुअली ये सूट है और वो सूट है भाभी। अच्छा चलो मैं ये वाला शो एक मिनट चले भाई। हाँ भाई मेरी टीम और जो भी ऑडियंस है वो देख के बताएं कि किसके अच्छे सबसे बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीत रही हूँ,
मुझे निदा के लग रहे हैं। हाँ। और भाई बताएं टीम क्या कह रही है। फंकी लग रहे हैं यार। नहीं, हाँ, हाँ, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, इवन विद बहुत कैजुअल बहुत। अच्छा एक बार शहजादी से पूछते, शहजादी इधर आओ। शहजादी, शहजादी तुम्हें कसम है झूठ नहीं बोलना, ये नहीं कि तुम निदा के साथ। शहजादी इज मासेस। हाँ निदा तुम्हें कसम है। शहजादी इधर आओ, तुम तो हो। तुम सलाम करो सबको, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बोलो पहले, प्यार से बोलो। भाई शहजादी ने मुझे जिता दिया, मैंने बुलाया उसको इसीलिए था। ये और सेकंड कर दो, ये मेरे लिए गिफ्ट है। चलो भाई अभी हम चलते हैं कपड़ों की तरफ। अब हम कपड़ों की शॉपिंग पे जा रहे हैं, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कपड़ों की शॉपिंग होगी तो बहुत मजा आएगा। ये चूड़ियां तो वो रहन दो, मैं ये ले रही हूँ काली। हमने आज उल्टी शॉपिंग शुरू की है, यानी हमने चूड़ियां पहले लिया, कपड़े बाद में। अब देखो कि यार अब वो वाला जमाना नहीं है कि कपड़ों की मैचिंग की चूड़ियां आनी चाहिए। हाँ। जैसे आपने बनाई थी मल्टी कलर की, कॉम्पिटिशन आप जीती है अभी, जिसमें आपको एक वाटर कूलर मिला है। हमने चूड़ियां बनाई, ब्रेक ले रहे हैं हम। हाँ कुछ कह रही हुआ। हाँ तो वो चूड़ियां आप अपने ड्रेस के कोई भी ड्रेस ले सकते हैं, उसके साथ पहन सकते हैं। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद देखेंगे हम के कपड़े हम तीनों कौन से चूज करते हैं। मेरी बहन को पसीना आ रहा है, मशवरा दीजिएगा जरा, आपके मशवरे की मैं अशद जरूरत है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद है सरेस। सरेस प्रोनाउंस करते हैं ना इसको, सीरीज या सरेस? सीरीज। अच्छा सीरीज है यहाँ, और बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ की। यहाँ पे रेडी टू वेयर कुर्तियाँ भी हैं, अनस्टिच्ड भी हैं, साइज के हिसाब से बच्चों के भी हैं, और क्लचेस बड़े प्यारे हैं। बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, कुशन कवर्स हैं, और ये इसी पे मेरी नजर थी। और बहुत क्लचेस भी हैं, बहुत फंक्शनल है। ये तो अंबर और रुबाब होती तो खरीद लेते। अंबर गए, अंबर और रुबाब, दिस इज फॉर यू। अच्छा, अच्छा पहले हम पहले कपड़े देखते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा डायमंड टीज भी दे रहे हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा देखो कुर्तियां देखते जरा, बड़े ठंडे ठंडे कलर की हैं। हाँ, गर्मी का तो मुझे एक अच्छी से ठंडे कलर की चाहिए। ए, भी। मेरा तो दिल कर रहा है अभी। ये क्यूट है यार। अच्छा मुझे ये वाला जो गला है मुझे नहीं पसंद। अगर आप यूं करके पहने ना, यहाँ से पहने तो वो वेस्टर्न कट थोड़ा सा। ये देखे जरा कितनी अच्छी अच्छी कुर्ती है। ये कितना ठंडा, ये दिखाओ है ना, ये ठंडा है। और उससे भी ज्यादा ठंडा मुझे एक और मिला, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। मुझे तो ये जो निदा आपने पकड़ा है, दिस इज गुड। अच्छा मुझे ना एक और बड़ा अच्छा लगा, रुको मैं तुम लोगों को वो भी दिखाती हूँ। ये नहीं मजे के कलर, आगे से कैसा है ये कलर, बहुत अच्छा लगा ये, लेकिन मेरे रंग पे बिल्कुल नहीं सूट। कितने की कुर्ती होगी ये आपको, क्या देख लो ना, ये 1950 की लग रही है। 1950। अच्छा ये आगे वो भी तो बोले ना कि बाजी आपके लिए सिर्फ इतना। अच्छा ये देखो यहाँ से आस्तीन, वो जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कंधे। हाँ ये बहुत फैशन में है आजकल, इसके वेस्टर्न के जीन्स के ऊपर पहनने के लिए भी ऐसी शर्ट्स बनाई हुई जिसमें ऐसा कट होता है। लेकिन ये हर बॉडी टाइप पे नहीं चलता, आपको अपना जिस्म पता है उस हिसाब से पहनिए। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत कूल है, बट यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक बॉडी टाइप टू कैरी इट। हाँ फैशन का मतलब ये नहीं कि जो फैशन में सब पहन के बंदा घूमने लगा। अच्छा एक ये कलर बेशक थोड़ा डार्क सही है, इसमें जेबें भी है ना। हाँ ये फाइव फिट। आप अपने पैसे जो है वो पैसे नहीं, मोबाइल, जैसे मैंने अपनी जेब में रखा हुआ है अभी। हाँ जेब वाले कुर्ते हैं तो बेस्ट। तो भैया आप हमें कितने के देंगे ये? आफ्टर डिस्काउंट, एक मिनट रुको हम जरा माइक पे। बनीता कम, बिकॉज बनीता के 1300 में हो जाइए, 500 में दे देंगे। आपका हेयर कट आपने कहाँ से कराया जरा माइक पे बताइएगा। एजाज हेयर सलून। हाँ एजाज हेयर सलून। अच्छा एजाज हेयर सलून से अच्छा कराया, और डाई भी वहीं से कराया। पीछे लड़के आजकल करा सकते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है। हाँ नहीं लेकिन आपके हेयर कट में एक प्रॉब्लम है, उन्होंने सही कटिंग नहीं की, यहाँ से बाल थोड़े लंबे हैं, यहाँ से छोटे हैं, ये लड़ ज्यादा दी। हाँ ये फैशन है तो मैं नहीं पता। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू नॉट फ्रॉम हियर, यू गो टू अमेरिका। आइए जी मैं आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। बस ठंडी कुर्ती मदिया के लिए। अनस्टिच से पहले मैं जरा स्टिच भी दिखा दूँ, प्यारे प्यारे। देखो जरा इतने मजे का कलर है निदा, ये जिसे गोला गंडा कलर, गोला गंडा जिस कलर, व्हाइट व्हाइट दुपट्टे और व्हाइट ट्राउजर के साथ अच्छा लगेगा। मैं बताऊँ जैसे गर्मियों में ये चीज अच्छी लगती है। हाँ हाँ जरूर, मेरा दुपट्टा बार बार उतर जा रहा है। दादी तुमने सही से फिक्स नहीं किया। और इसके साथ ये जो ट्यूलिप पैंट्स हैं, ये जो सलवार है इनके साथ अच्छी लगेंगे। किसकी? ये जो आपने गोला गंडा दिखाया था। नहीं दो गोला गंडा वाला, जो छोटी शर्ट होगी ना प्लेन उसके ऊपर, ट्यूलिप सलवार, ट्यूलिप सलवार छोटी शर्ट के साथ अच्छी लगती है, लंबी के साथ नहीं। हाँ उसके साथ ये सही लगेगी। और देखो और क्या है, क्या बोलती है? हाँ लाओ अनस्टिच देखते ना। अच्छा टाइट्स तो मुझे नफरत है, टाइट्स तो मैं पहनती नहीं। इधर आएंगे प्लीज, जरा मैं आपको अनस्टिच दिखाना चाह रही हूँ। साथ गला वाला भी सब है मयसर।
ये मैं सोच रही मम्मी के लिए लूं, ये बहुत अच्छा प्रिंट है। ये वाला प्रिंट देखें, एक तो ठंडा कलर भी है, ये नजर आ रहा है ये, और ये सुने एस्पैरागस का मतलब तो वो सूप भी बड़ा मजे का मिलता है। अच्छा ये रेड, ये कितना प्यारा है, कौन सा वाला, ये रेड वाला डिजिटल प्रिंट, ये वाला, इसकी आप फोटो दिखा सकते हैं कितने का होगा ये ब्लैक वाला। हाँ इसमें मटेरियल भी बड़ा अच्छा है। माइक में बोलोगे प्लीज, अभी के रमजान इनके पर 50% ऑफ है, 26.5 का हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट, 26.5। नेता ये कितना प्यारा कलर है, और ये क्या, ये वाकई अच्छा है, हाँ ये बहुत अच्छा है। ये कितने का है, इसकी भी दिखा दो, ये बहुत प्यारा है, दिखाओ जरा रूसा, ये इसको पहन निकालू, ये बन के कुछ ऐसे बनेगा, परफेक्ट, ये ईद पे सुबह के लिए परफेक्ट ड्रेस है लड़कियों, ये आप लोग जरूर लें, ये मटेरियल बहुत अच्छा है, सोबर सा उठा के देखते हैं ना यार, यार ये ये निकालना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे देखना है, ये पिनों से फिक्स हुआ है कैसे उतारे, हाँ ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला है कोई जो उसमें यहाँ से निकालने के बजाय उधर नीचे से, ये हमें देख लॉन की दुपट्टे, ये हमें पसंद है, अच्छा लॉन का दुपट्टा क्यों दिया है जी, आ गए तब थे, हाँ ये भी अच्छी बात कह रहे हैं, गए कब थे, हमें तो शिफॉन की नजर आए थे लेकिन अब फिर सिल्क का भी शुरू हो गया, शिफॉन सिल्क, पर्सनली आपको नेट के दुपट्टे पसंद है लॉन के या सिल्क के, टू बी ऑनेस्ट सिल्क के भी अच्छे लगते हैं, पर वो टिकते नहीं है यार, गिर जाते, पता चलते चलते एक दफा तो मैं बाजार गई, चलते चलते मेरा दुपट्टा पीछे रह गया और मुझे पता ही नहीं चला, यू हैव नो आईडिया, सीरियसली ये सिल्क का दुपट्टा, ये पिछले साल भी काशिन में, ऐसे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं मगर ये पहनने में ना पिन लगानी पड़ती है, लेकिन ये दिखाए, हाँ ये फॉर्मल कलर्स भी है ना, ये आप पहनेंगे सब, ये खुले में है, हम खोलेंगे, ये देखिए, हाँ ये खुला हुआ है, ये देखिए साथ क्या कमीज है इसकी, शलवार है ये, यहाँ ये शलवार है क्या है, ये शलवार है इसकी, आप प्लीज माइक में बोले ना, माइक के बगैर आपकी आवाज कसम से कहीं नहीं जाएगी, अच्छा ये शलवार है और ये इसकी शर्ट है, ठीक है, शर्ट के ऊपर उन्होंने ये दिया है साथ में बहुत बहुत जबरदस्त किस्म की ये पाइपिंग्स, ये जो आप अपने दामन पे भी लगा सकते हैं, This is nice. ये कितना बताया था आपने, 26? ये वाला नहीं, ये वाला आपको पड़ेगा 4500 का, ये 4500 का, ये बहुत 3500 का, 35 का, इसके साथ उन्होंने सीनों पे लगाने के लिए और दामन पे लगाने के लिए ये दिया हुआ है, तो इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये इसकी पैंट, अब मैंने चॉइस चेंज कर दी खोल के, मुझे कैरिया नहीं पसंद, मुझे ये वाला अच्छा लगा, मुझे कैरिया नहीं, मैं फूल वाले, मैंने बचपन में बहुत कैरिया वाले, ओहो नेता ये तुमने कंचा पीस निकाला है, ये तुमने वाकई कंचा पीस निकाल दिया है, जिसके साथ ये जो चेरी कलर है ना, ये है ना, आई लव दिस, चलो बस पूरे शॉप में अगर मैं इसकी जगह, इस पिस्ते कलर की जगह मैं तो ये लूं, मुझे थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर पसंद है, है ना, रुसा तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तो कहती हूँ अभी बहुत सारी शहरी ऑडियंस से पूछ रहे हैं, आप जो देख रहे हैं बनीता ने ये चूज किया, मैं ये वाला लूं या मैं ये वाला लूं, दोनों में से प्लीज आप जरा SMS करके बताइए, बनीता ये वाला ले या ये वाला ले, अच्छा अब मेरी बारी है, ठीक है मैंने तो ये चूज करना है, मैंने तुम लोगों के लिए चूज कर दिया, अब तुम्हारी बारी, मेरे लिए कौन से चूज किए, मैं तुम्हें बताऊंगी, नहीं ये तो मैंने अपने लिए चूज किया, ये वाला आई डोंट लाइक यू, मुझे ये वाला लूं या ये वाला लूं, मुझे भी चूज बताएं कि मैं फिरोजी वाला लूं या ग्रीन वाला लूं, चलो जल्दी से पूछो लोगों से, फिरोजी वाला, अच्छा दैट आई वुड नेवर वेयर दिस, आई वुड वांट टू हैव फॉर माय भाभी, इन दोनों में से तुम्हें भी ये पसंद आ रहा है यार, निदा आप पे कुछ भी अच्छा रहेगा, क्या टेंशन क्यों ले रही है यार, आप पे भी बहुत हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी पूछना पड़ता है ना, ये देखो ये बुरा नहीं है, ब्राउन है, ऑडियंस में सो रही है कोई बता रहा है या नहीं बता रहा, एक्चुअली अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो, वैसे ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, नहीं 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 यार बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, ब्राउन एंड पिंक, मैंने बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज है, कुछ रस्ट भी है यार, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये लो तुम ले लो, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, सारी अच्छी सारी अच्छा, तो उरुसा तुम्हें तो दो कौन से अच्छे लगे, ये वाले फिरोजी वाला और ये वाला, ये वाला भी अच्छा लगेगा भाई, ये बहुत अच्छा है ये मुझे, अच्छा भाई जल्दी से बताएं कि उरुसा कौन सा ले, उरुसा अपना हाथ दिखाओ, और मेरा भी, उरुसा ये वाला ले या ये वाला, देखे इसके साथ कमीज ये है, उरुसा सीधा रखो, कमीज ये है और ये क्या शलवार जी, आपको ऐसे एम्ब्रॉयडरी भी मिलेगा, बड़ा प्यारा है, ये तो अंदर से काफी सारा है कुछ है भाई, अंदर से बाजी ये कंप्लीट सूट है, कंप्लीट इसका, ये देखिए कलर भी देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं बनाएंगे हम, कुछ और तरीके से बनाएंगे, हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आएगा, मैं तो सेम ऐसे बनाऊंगी, ये देखिए ये कमीज है, हाँ
और ये पर्पल ब्राउन है। हम दोनों के मेरे लिए कौन दोनों में से कौन सा अनुषा के लिए कौन सा अच्छा रहेगा? ये इसके अंदर भी छुपा हुआ है। हाँ ना देखो तो इसके अंदर जो कारीगरी है ये एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। ओह हाउ नाइस, डिड यू सी दैट? मैं तो इन दोनों में से कोई एक अच्छा लगा। ये देख के जलो ना। अच्छा चलो आओ बैग्स देखें। ये तो ये रख दो काउंटर पे ना ताकि जब तक लोगों को हमें बताएंगे। हाँ प्लीज आप हमें हमारी हेल्प करें। अच्छा निदा आपको ज्यादा अच्छा लगता है रेडीमेड कुर्तियां लेना लड़कियों के लिए? क्या कहते हैं इजी होते रेडी टू वेयर या लेके दर्जियों के चक्कर लगाना? नहीं अब अच्छा लगता है दर्जी कपड़े रेडीमेड मिल ले तो जिंदगी आसान करे। हाँ और बताओ किधर है माल? बेटी के लिए भी देखना जरा उधर कुर्तियां बड़ी प्यारी हैं बच्चों। मुझे भी अपनी भाई की बेटी के लिए देखना। ये देखो इधर तुम्हारे खानदान में है कोई बच्ची? मेरी है ना भाई की बेटी मरियम। अभी तो बॉय हुआ बॉय। अरे तो बहुत छोटी है। अब आपको जो है ये बहुत बड़े हो छोटे हो गए कपड़े ये नहीं आप बच्चों को आएंगे। अल्लाह मुझे एक छोटी बेटी किसी की चाहिए। ये मैम 13 साल की बच्ची बेबी के लिए मिल जाएगा साइज। अच्छा 13 साल की बच्ची? हाँ 2 साल से लेके 13 साल की बेबी। अरे 2 साल बड़ी रह गई। और ये देखिए तुम भी ना बिनी अब क्या होगा? ये कितने फंके है यार है ना मतलब बच्चियों की सलवार कमीज ने किस और ये क्या है ये बनावट बने है सो क्यूट। ये हैंग हुई है मैडम। अच्छा हैंग हुआ है यार ये बहुत अडोरेबल है। हैंग किधर हुई है? ये हैंग हुआ अंग रखा। एक मिनट मैं जरा आप लोगों को सही से दिखाना चाह रही हूं। ये देखिए ओ क्यूटी पाई ओ क्यूट। और ये भी बहुत मजे का है। क्या ये वाला? अच्छा सर ये हैंग कितने के? ये मैम 1350 है। इस पे आइसक्रीम बनी हुई है कितना क्यूट है। हाँ ना तो वही तो मैं कह रही हूँ कितनी अच्छी चीज है। अच्छी बनी हुई सही है रेडीमेड। लड़कों के लिए कुछ नहीं है क्या? बच्चों में नहीं बच्चों बाबा के लिए कुछ नहीं है। लड़कों के लिए तो कहीं भी कुछ होता भी नहीं है। हाँ वैसे नहीं होता है ना। हाय हाय लड़कों तो क्लिप्स शादी पिन लगाओ। अच्छा अब हम हैंड बैग देख रहे हैं। ठीक है हैंड बैग की तरफ आते हैं। ओके अगर आप बड़े हैंड बैग वैसे ईद पे यार किस तरह पहले क्लचेस देखते हैं? मैं ईद पे तो मेरे हिसाब से इसी टाइप अच्छा की चाहिए। प्यारा क्लच है ये दो कलर्स में बाजी। ये तो मुझे भी पसंद है। व्हाइट भी मिलेगा ये तो आपके जो आपने जो आपस की बात है मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे क्लचेस वगैरह भी नहीं बहुत अच्छे आते हैं। शादी के कोई भी ज्यादा 2400 का ये यार कुछ नहीं है यार। बाहर अगर अमेरिका से तुम खरीदती ना 10,000 से कम का नहीं मिलता। मैं आपको बता रही हूं वहां कमाल है पाकिस्तान। पता ही नहीं है तुम्हें हमारे पाकिस्तान का आई बड़ी नहीं ये 2100 का आपने हाँ नहीं लेकिन सस्ते मिले। मैं तो ये घर में तो ये सोच रही हूँ मैंने इतने पैसे जो वहाँ पे खर्च किए शॉपिंग में यहाँ पे आके सबके लिए खरीद लेती। बहुत प्यार है बहुत प्यार बहुत। ओह माय गॉड ये तो अंबर तुम्हारे लिए रैबिट वाला क्लच रैबिट बना है गोल्डन रैबिट क्यूट है ये वो उसको गोल्डन कंप्लीट प्लेन सूट के साथ। अच्छा और ये भी बहुत मजे के बैग हैं। रैबिट क्यों पहनेगा दुल्हन? क्यों खरगोश लेकर अब कहाँ भाग रही है? मुझे इन कपड़ों पे इस टाइप के बैग्स पसंद है ये जो कॉटन के ना लॉन्ग के कपड़े इन पे इस टाइप के खुले चौड़े बैग्स मुझे वैसे बड़े साइज के पसंद है। आई डोंट लाइक स्मॉल बैग्स। मुझे भी मुझे हर वक्त लगता है कुछ ना कुछ मैंने मिस कर दी जो मैंने डालती। ये बैग तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच भाई इतना अच्छा गिफ्ट देने का। और बड़े बैग्स भी है ना जैसे अच्छा है डिसेंट बैग्स जो है ये अम्मी को देने गिफ्ट पे गिफ्ट के लिए। और क्या है दिस साइज एज वेल बहुत फिरोजी है ये ब्लैक कपड़ों पे भी अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन ये जो है ना का ये है बहुत अच्छा ये रहा खुलेगा कैसे ये कैसा लग रहा है ऐसे भाई बहुत फिनिशिंग भी बड़ी अच्छी है। ये तो बहुत कूल है। ये 7050 का है लेकिन अच्छा है भाई। ये बाहर अगर आपको पता है नगों वाले बैग्स इतने महंगे मिलते हैं तो अगर पाकिस्तान से बाहर भी कोई हमें देख रहा है आप लोगों की बाहर तो नहीं है ना कोई ब्रांच तो ये देखिए जब आप पाकिस्तान शॉपिंग करने आए तो इधर जरूर आइएगा बड़े अच्छे हैं। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ जब आप लोग बाहर के मुल्क जाएं तो कोई जरूरत नहीं है वहाँ से शॉपिंग करने की। यहाँ पर आके यहाँ से चीजें खरीदें वहाँ से सिर्फ शॉपिंग बैग। वैसे भी हर चीज चाइना से मिलती है और चाइना यहाँ से करीब है। वैसे भी हर चीज मेड इन चाइना होती है और चाइना जो है वो पाकिस्तान से बहुत करीब है। अच्छा निदा मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिशान में उनके लिए भी बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ अमेरिका से। ये क्या है? ज़ारा मैडम। अच्छा थैंक यू सो मच। अरे उनको बहुत शुक्रिया कहेगा ज़ारा आप ऐसा क्यों कर लेती हैं। अच्छा तुमने क्या ये किया? मुझे इन दोनों में से बताओ कौन सा ज़्यादा। आई गेस पिंक गो फॉर दिस आई गेस व्हाइट क्योंकि व्हाइट तुम्हारे ज्यादा कपड़ों के साथ चलेगा। नहीं निदा की बातों में बिल्कुल मत आना ये गंदा हो जाएगा तुम याद रखना। चॉकलेट का है आप लोग बताएंगे इन दोनों में से मुझे कौन सा कलर लेना है। मैं ये
कहती हूँ कि व्हाइट, उसकी वजह ही है व्हाइट ज्यादा कपड़ों पे जाएगा, पिंक सिर्फ आपका मखसूस कपड़ों पे। मेरे पास ये कलर का भी बैग नहीं कि मुझे हमेशा डर लगता है वॉल पॉइंट का वो मार्क लग जाएगा। प्लीज जुबैदा आपसे पूछ के, जुबैदा अपन ने बल्कि किसी और ने ही कुछ बताया था, ये सोडा मेरे पास मीठा मीठा सोडा और टूथपेस्ट से साफ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें व्हाइट नहीं लेना चाहिए, तुम बहुत गंदा करती होगी। बिल्कुल सही कह रही है बनीता, जानती हूँ ठीक से। चॉकलेट टॉफी चिप्स खा ली तो तुम गंदा करती हो, तुम गंदा करती हो, मुझे मालूम है तुम्हारा। बॉल पेन के जो मार्क्स होंगे ना और जो बेस के मार्क्स होंगे, मोबाइल के कवर भी हम सकती है। निशान मेरे एक दोस्त है उनके लिए लो, खुल्ला से बड़े सूखे से हो गए हैं वो। मर्दों की भी चीजें यहाँ पे ओके। यासिर को भी हर वक्त ब्लैक पहनने का शौक है, मैं कुछ ब्लैक बहुत अच्छा है लड़कों के लिए भी। देखें आपके होने वाले शौहर, आपके होने वाले मंगेतर, आपके भाई वगैरह, वाह उनके लिए भी देखें। यहाँ पे सीरीज में, सीरीज नाम है सीरीज बोल सकती हूँ ठीक है, सीरीज में आए और आगे ब्लू या ब्लैक कुर्ता, ये वैसे बहुत ये कलर जो है ना मुझे ऐसा लगता था हमेशा से, जैसे ना ये जो नहीं हॉस्पिटल के वार्ड बॉय जो कपड़े पहनते हैं वो कलर है, ये कलर के ना बनाया करने अपने डिजाइनर्स को मना। अरे नहीं यार, हम पीसीजेस कॉलेज में पढ़ी हूँ मैं तो उसका यूनिफॉर्म भी इसी कलर का होता है। मैंने कलर जिंदगी में पहनना छोड़ दिया क्योंकि हाय अल्लाह, एक मिनट गिफ्ट पैक के साथ है। ओ गॉड, ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा महंगा सा लग रहा है, लगेगा महंगा गिफ्ट दिया है। मैं तो डिब्बा चेक करके गिफ्ट दे, इसका मिलाया करो शो भी बहुत मजे की है। ये अनस्टिच्ड है, हाँ बताए इसकी प्राइस निकालो भैया, मुझे तो तरस आ रहा है इतना कम कर करके, इतना अच्छा महंगा डिब्बा कस्टमर बनाने के लिए। नहीं इतना कस्टमर नहीं बनाते, अपना लॉस नहीं करते, एक्चुअली हम इनके साथ नहीं है। सनीता रतन भी भाग जाते थे, काम वाले टॉवल सनीता हसन आगे भाग जाते थे, हमारे साथ नहीं है। ये भी बेडशीट भी देखें, ईद की शॉपिंग अधूरी होती है अगर घर पे आपके बेड पे नहीं बेडशीट ना डली हो, कुशन कवर्स ना बदले हो और टेबल कवर्स ना लिए हो, मैट्स ना लिए हो, तो ईद की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती है। पूरा दुनिया देख रही है, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, एक ही दिखाओ। हाँ खोल खोल के आप माइक छोड़ दो और खोल खोल के मुझे दिखाते जाओ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि कितनी प्यारी प्यारी और इतने अच्छे कपड़े की बेडशीट हमारे पास। एक वाली ये वाली भी खोलना, ये वाली भी खोले और ये वाली खोले, तो खोल के सही दिखा सकते हैं ना हम। हाँ गीले आप भी खोल, मुझे भी फूल पसंद, फूल नहीं पसंद तुम्हें प्लेन लॉन, इतने फूल वाले मेरी माँ ने पहना दिए कि मुझे फूल वाले कोई भी चीज नहीं पसंद। मैं जितनी बेडशीट्स हैं शादी के बाद भी उनमें शायद एक या दो में फूल होंगे, हार्ड कोई कपड़ों में भी फूल नहीं, ये फूल ज्यादा फूलों के बगैर वाले छोटे फूलों, अगर फूल एक मजबूरी जिंदगी की है ही, नो दिस इज अ पैटर्न, लुक दिस इज अ पैटर्न। अच्छा मुझे तो सारे ही फूल लग रहे हैं, कोई गुलाब इसमें फूल नहीं है, है कहीं अंदर पैटर्न है, पैटर्न ये, हाँ ये वाली ना, इसमें भी कहीं कहीं फूल तो हैं। ये खोले, दूसरी खोली दे जरा, बहुत स्लो खोल रहे हैं आप, ऐसे खोलते हैं ये देखें जल्दी जल्दी, हम जाते हैं ना जब दुकानों पे तो ये हाल करते हैं। ये देखें, हाँ अच्छी अच्छी बेडशीट्स हैं निधा, आई थिंक ये अच्छा कलर्स है। नीली फिर नहीं, मुझे ये वाला नहीं है इतना, मुझे अच्छा लगा है वो येलो, ये अगर होता मैं तो मैं ये वाली ले ली। ये दिखाएं दूसरी जो मैंने चूज की थी, इन्होंने ना फेविकॉल से चिपकाया हुआ है। ओपन दिस बेडशीट, ये रहा ये रहा द अपर वन, वो फिरोजी वाली, नो नो द येलो वन लेता, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, एक्सक्यूज मी कैमरामैन। मैंने कहा कैमरामैन जो है वो भी शॉपिंग चल रही है, आंखों में सारे कैमरामैन की शॉपिंग चल रही है। ये ले लूं घर के लिए बेगम जो लाइफ मेरे सर पे, वैसे तो यार ऐसे मौका नहीं मिलता जाने का, यही शॉपिंग कर लूं। हां भाई खोली थी निधा, पता ही नहीं चला इसको क्या हुआ सर पे जी गिरा, लाइव था। अच्छा और क्या रह गया, कुशन कोई बात नहीं, इसका तुम्हें अजाला देना पड़ेगा।
कुशन्स ये वाले अच्छे हैं। ओह कितने डिस्को कुशन, ये तो फुल ईद कुशन्स हैं यार, ये तो बिल्कुल ईद कुशन्स हैं। ये रिफ्लेक्टर्स भी हैं। हाँ यार ये तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। नहीं ये क्या हो रहा है, पिक्चर खींचने ऐसे ही है। अच्छा ये दो कलर के अच्छा रुको एक मिनट, इंटरनेट पे चल अपना नाम लिखते हैं, चिचोरा फन करते हैं। लेकिन नहीं से व्यू नाम लिखते हैं, उल्टा लिखो। चलो लिखते हैं, कौन लिख सकता है, कैसे लिखे मुकाबला। हाँ मुकाबला कौन लिख सकता है, एक तो ये कंपटीशन में मेरे जान निकल, ये मुकाबले का तो कहानी है, उसा नहीं लिख सकते, यू लिखेंगे। एन तो लिख लिया मैंने, एक सेकंड मैं भी तो लिखना चाहिए। हाय उल्टा लिख रही हूँ नाम, हाय हाय मुकाबला हार रही हूँ मैं। अल्लाह प्लीज रिदा तुम अभी मत जीतना, पहले भी चूड़ियों वालों में जीत गई हो। सबसे छोटा नाम मेरा है ना, एक मिनट एक मिनट, बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन बहरहाल बन गया मेरा यार, ये बहुत मुश्किल रहा है। निद लिख पाई हूँ कुछ, देखो मेरा मेरा भी बन गया। अच्छा लेकिन ये देखिए ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये मैजिक है। कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो बीवी पे मियाँ पे तो आप इससे खेल सकते हैं। मुरिया आप वो एक्चुअली हर ड्रामे में दिखाते थे लाइट ऑन लाइट ऑफ, ब्लाइंड ऑन लाइट ऑफ, तो आप अंधेरे में ये कर सकते हैं। अरे यस, वैसे भी लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि कुछ तो करने को पड़ेगा ना, करने को, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये क्या कलर आ रहा है गोल्डन का, ये कोई तकिया पकड़, ये क्या है, ओह वाओ दिस इज टू गुड। ये भैया कितने का है, और दिखाओ ये क्या कलर, कुशन के साथ जो 1100 का पड़ेगा। ये तुम क्यों इतना सस्ता दे रहे हो, पागल अपने पैसे बढ़ाओ। ये कितने का बताया, क्या बताया, 1100 का सही, सस्ता है, अच्छा है, नॉट बैड। मैं अगर इस दुकान की अगर मैं आज पैसे तो लेकर आई होती ना, फिर मेरा वही हाल होता जो हर जो के बहुत अच्छा हुआ नहीं था, तुम बहुत शॉपिंग करती हो, अच्छा हुआ नहीं लाइन का, अच्छा हुआ नहीं लाइन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और हम आपको आपकी फेवरेट जगहों पे मिलेंगे, यानी कि हम शूज की तरफ जा रहे हैं, शूज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्स मैंने आपको दिखाया ही नहीं, शूज देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये लें कि ये लें। येलो, हमारे कुछ पिछले सारे सवालों के जवाब कौन देगा, वो हमें मिलते जा रहे हैं और हम चीजें खरीदते जा रहे हैं। ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए, हम चिचोड़ियों के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बनीता उरूसा, गुड मॉर्निंग, शॉपिंग कर रहे हम तीनों शॉपिंग पे आए हुए हैं और वी गॉन क्रेजी। हाँ ये पागल हो गई है, हम लोग ने चूज में और मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं यहाँ कभी कभार आती हूँ। मैंने कितनी अच्छी कोल्हापुरी जूती, हर जगह फेमस है और लड़कियाँ जरूर ईद पे खुद से और कोल्हापुरी जूती पहनती है, लेकिन ये कोल्हापुरी इसलिए डिफरेंट है कि ये थोड़ी सी वो है, गोल्डन है, गोल्डन है। क्या मटेरियल है इसका बनीता, इसका क्या मटेरियल है भैया, जरा कम हियर एंड फॉलो मी। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज कहीं नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अली, इसमें मैं वहाँ पर हूँ। अली भाई बताएंगे इसका मटेरियल क्या है, इसका मटेरियल ये इम्पोर्टेड सॉल में आई है थाईलैंड के, जो हम आते हैं। अच्छा एक सवाल, अगर कोई लड़की बड़ी प्यारी खूबसूरत नाजुक से उसके पैर हो तो उसको डबल डिस्काउंट देते हो या जो डिस्काउंट होता है उस पर अटके रहते हो? वही डिस्काउंट होता है जो सबको मिलता है, कोई नहीं, जो सारी बहने बराबर है, डिस्काउंट देते हैं। अच्छा तुम हजाम, मैं जूतियाँ दिखाना चाहती हूँ पहले तो, ठीक है, साइड पे कैमरा मैन प्लीज आप जरा हमें दिखाएं कि वो लोग जो जैसे मैं फ्लैट पहनती हूँ, मैं हील सिर्फ शो के लिए खड़े होने के लिए पहनती हूँ, मेरे पैरों में ढाई घंटे तक दर्द हो जाता तो दावत पे जाना तो मजबूरी मैं हील पहनती हूँ, लेकिन बहुत कंफर्टेबल वाली ढूंढ के, ठीक है। और जो है ना एक अच्छी खबर ये है कि फ्लैट में आपको पता क्या होता था, पहले हमेशा स्लिपरी और पिसलने वाले सोल होते थे कि आप पिसल जाएंगे, इसके कंफर्टेबल जूते इनके पास, इनके पास जो है हमारे पास जो आ रहे हैं कंफर्टेबल जूते आ रहे हैं, में भी इसके अलावा वेज में भी आए हैं, काफी सारे डिजाइन, बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल। मैंने अपनी हील उतार के चप्पल पहन ली और चमक रही है मेरे, नहीं और इवन ये हील है लेकिन दे सो कंफर्टेबल इवन अभी भी, दिस इज अ ब्लॉक हील, ये भी बहुत चलने वाली है, और ये पैरों पे भी अच्छा है। इसके लिए ना आई एम सॉरी मेरे पांव इतने साफ सुथरे नहीं, लेकिन फिर आपके पैर भी आपके मेरे पे सूट कर, हां मतलब कि फॉर ओकेजंस इज वेल, इसका ईद वगैरह उतार के दिखाओ ना ताकि मैं सही से दिखाऊं कैसा है। नहीं अच्छा, बहुत अच्छी दिख रही है, हम तो पेन की डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे। अच्छा ये भी वहां से बेड़ा, ये देखिए फ्लैट में कॉपर कलर की है, ये देखो आप, ये देखिए इससे आपको ईदी ईद पे जो मिलेंगे ना ईदियां तो उसकी भी आपको याद नहीं, इसमें पैर अच्छे नहीं लग रहे,
पैर इसी में अच्छे लगते हैं। क्या हम नीचे नीचे दिखाते जाएं क्या? नीचे रखते जाएं क्या? हाँ नीचे रखते नीचे आप लोगों को आसानी होगी। ये देखें ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, ये उरूसा ने पहनी थी, ये देखें रूसा वाली है। अच्छा ये जिसके पैर पे थोड़े से दाग धब्बे हो ना तो उसको इस टाइप की जूती पहननी चाहिए ताकि पैर थोड़े से कवर हो जाए। हाँ हाँ अच्छी है, ये बहुत अच्छी लगी। और दिखाई कि फ्लैट लोग बहुत पहनना चाहते हैं और जिनकी शादियां वादियां हुई हैं अभी नई नई मेहंदी दिखाने के लिए एग्जैक्टली ये ज्यादा ज्यादा हैवी है ना जरा। और आप उसमें भी दे सकते हैं बरी में जब कपड़ों में आप देते हैं तो इस टाइप की जूती। हाँ एक दफा ये पहन के दिखाते ना जरा, ये ब्राइट ब्राइट ये इसमें पैर बड़ा काला लगता है। ये थोड़ा ग्रे कलर है, हर किसी के पैरों की बस की बात नहीं है। ये पहनने का तरीका अच्छा, कोल्हापुरी जो है वो कराची आइटम है या ये लाहौर आइटम? हाँ 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 ओह गॉड, ये चूड़ीदार पजामा हो ना, वाइट चूड़ीदार पजामा हो आप, वो नोपोर होता है ना नोपोर जो अंगूठी होती है पैर की, उसमें पहने आप बहुत अच्छा लगेगा। ये भी अच्छा है। कितने का ये वाला जूती? ये मैं अपनी बेटी की शादी के लिए लूंगी क्योंकि जब मैं फिर बेटी की शादी होगी तब तक मैं हील नहीं पहन सकूंगी ना, तो तब तक तुम्हें ये 1400 की है मैम, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। 1400 की है, सस्ती, नॉट बैड, बहुत सस्ती। यकीन माने इतनी अगर डायमंडीज जो है वो यूके या यूएसए में लगे हो तो ये कोई 10,000 की। मैं यूएसए से भी रिसेंटली आ रही हूँ, इतनी महंगी शॉपिंग कर कर आई हूँ ना मैं, मुझे तो गुस्सा ये दिखता आ रहा है ना। अच्छा बताओ ये वाली अच्छी ज्यादा या ये वाली? मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ ये वाला सबसे बड़ा साइज़ या ये वाला? इसी तेज कर दे एकदम, बताओ आप ऐसे में वेरी कंफ्यूजन, वेरी कंफ्यूजन। जो आपने पहले दूसरी साइड बताया, नहीं ये वाली कौन सी? ये वाली आई लाइक दिस वन। हां यू लाइक दिस वन, लेकिन दिस इज मोर कंफर्टेबल। वो कंफर्टेबल है ये, आप ऑलवेज गो फॉर कंफर्ट। हां ये बात सही है। नहीं एक्चुअली चीना आपा कहती हैं कि थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लो फैशन के लिए, अब रोज का काम हो गया। अच्छा ये भी ये उन लड़कियों के लिए जूते जो जैसे मैं भी अक्सर कोशिश करती हूँ कि बंद जूते पहनो, क्या नेल कलर अगर नहीं लगा हुआ आधा लगा हुआ पैर पेडिक्योर नहीं हुआ, पेडिक्योर नहीं हुआ तो इस किस्म की जूतियाँ पहन सकते हैं। हाँ नाइस और दे, ओह माय गॉड दे वेरी कूल, ये बहुत प्यार है, बहुत मजे के लॉन के उसके साथ ना बिनी मेरे जोड़े के साथ भी। साइड पोज दिखा इसका, ओह माय गॉड है अच्छी है। अनीता दिखाओ जरा आगे आके दिखाओ ना रनिंग में भी बहुत ज्यादा है हमारे पास। इसके अलावा फ्लिप फ्लॉप के डिजाइन है, देखिए मेरी नानी दादियों के लिए, नानी दादियों के लिए भी क्यूट है। कितने की है ये वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी जाएगी, ये वेस्टर्न जीन्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे जितना टाइट करना चाहे टाइट कर सकती हैं, जितना लूज करना चाहे लूज। और अक्सर रात में जब यकीन माने मैं तो अक्सर रात में जब दिल नहीं दिल कर रहा होता कि चलो आओ चले आइसक्रीम खाने चले तो आपने अपने पजामा पहने हुए होते हैं और उसके नीचे आप पहन के रात में इस किस्म की जूती पहन के जाए तो क्या बोलते हो? ये सब अच्छी है, कितनी रीसेंट है, मतलब हर उम्र की खातिन को भी कुछ लोग मतलब जैसे मेरी सास है ना वो ये वाला सोल पहनती है, इसके बगैर वो पहनती है थोड़ा ऊंचा नॉर्मल यूज में फ्लिप फ्लॉप के लाते हैं फ्लिप फ्लॉप। ये देखिए कितना अच्छा है, नहीं नहीं मुझे ब्लैक मुझे कभी भी जो है ना वो ये वाली मोटी वाली हीलें अच्छी नहीं लगी फ्लिप फ्लॉप जो है, लेकिन ये फिर भी ये ले ले अच्छी है। हाँ ये बहुत मजे की बनाई हुई कौन सी? अच्छा मुझे ये जो शेप है ना ये वाली शेप ये मुझे लगता है थोड़ी आंटीज वगैरह नहीं होती ऑफिस यार, ये मेरी सास का फेवरेट है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, सास का फेवरेट है ये क्योंकि पता ही आरामदेह बहुत होता है और जैसे जिनकी छोटी हाइट होती है ना उनके लिए बड़ा सही रहता है। हम बैग्स पे कब जाएंगे? अच्छा बैग्स पे भी चलेंगे, जिद्दो की शॉपिंग हो गई। आपको बैग वगैरह भी दिखा, पहले हम हील्स तो दिखा दें लोगों को एक एक करके। अरे हील्स ले ली, स्लिपरी सोल में ये है हमारे पास, ये जितने भी डिजाइन लगे। आए जरा भाई कैमरामैन भाई, भाई मेरी ये वाली जूती वो कर देना, ये देखिए कितना प्यारा है यार, ये देख सकती हैं आप, ये भी स्लिपरी सोल के साथ है। ये देखिए ये कलर भी बड़े के साथ जो है बहुत खूबसूरत लगता है ये कलर नॉर्मल हमारे पास, ये सारी न्यू कलेक्शन है। ये बहुत मजे की लगी, ये क्लोज बना लिया आपने इसका? ये कितने मजे की है, मेरे सर पे ना गिर जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ख्वाब से देख रही हूँ? क्यों तुम्हें तो वैसे भी शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है, ये कितना अच्छा। और ये इसका सोल न्यू सोल में जो है वो ये डिजाइन, इसमें कीलें लगी हुई है, मुझे चुभेगी तो नहीं? नहीं मैम चुभेगी नहीं, बेफिक्र होगी आप ट्राई कीजिए। एक मिनट, अच्छा जूती हमेशा पहन के चेक करनी चाहिए क्योंकि कुछ जूती पहनने अच्छी लगती है, ये पहनने के बाद इतनी मजे की नहीं होती, ठीक है? ये मेरे सूखे सड़े पैर लगे, इसमें भी पहनने के बाद टाइट्स वगैरह जींस वगैरह पे जो चलने वाले हैं वो ये बैग कह रही है सूखे सड़े पैर लग रहे थे ना, जूते जो है हमेशा पहन के ट्राई करने चाहिए।
और इतनी अच्छी जगह, इतना सस्ती, इतनी अच्छी अफोर्डेबल, ये देखिए ये आजकल बड़ी आल्डो शाल्डो का वो डिजाइन है और कम है, ये देखें हमारे पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं है, सारे न्यू डिजाइन हमारे यहाँ कॉपीज की कमी नहीं है, ये मैं बता दूँ। नहीं नहीं कॉपी नहीं हुई है, उन्होंने हमारी कॉपी की है, उन्होंने एक्चुअली वॉकीज को कॉपी किया है। अरे यार ये अच्छी है ना यार, ये दुबई भरा हुआ है भाई, अरब्स जो है सारे ऐसी गोल्डन वोल्डन पहनते हैं, बहुत सोल भी और मैं भी, सोल भी जो है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आरामदेह। और ये भी तो देखो ना फ्लावर बडी आंटी, फ्लावर बडी अच्छा, ये भी लॉन के कपड़ों के लिए बेस्ट, ग्रिप वगैरह इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो भी मैंने लॉन के कपड़े पहने हुए ना माहिमान के, इसके साथ मैच हो रहे हैं। सुने मुझे तो ये भी बड़ी अच्छी लगी, नहीं था ब्लैक जो मैंने पहनी है, ये भी न्यू डिजाइन में नहीं प्रीता तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही है। चप्पल पहन के चली जाती हूँ, अजीब सी नहीं आपका तो फ्लैट का शौक है ना, यूज कर सकती है। आए चले हीलों की तरफ चले यार, हीलों की तरफ चले, वेज हील है इसके अलावा। अच्छा वेज हील दिखाए पहले, क्योंकि जैसे उरुसा को वेज हील पसंद है ज्यादा, उरुसा मुझे तो वेज हील मुझे ज्यादा कंफर्टेबल है। वेज वेज में हमारे पास जो है ये न्यू डिजाइन आए हैं, इसके अलावा ब्लॉक में जो लगे हुए न्यू, ये इसको वेज इसको कहते हैं, अच्छे नहीं ये ब्लॉक हील, ये ब्लॉक हील्स है, ये ब्लॉक कितनी स्मार्ट है, ये ब्लॉक हील, ये ब्लॉक हील है नजर आ रहा है। अल्लाह ये तो प्राडा, बिल्कुल प्राडा की जूती थी ऐसी वहाँ पे $700 की। इसके अलावा ये भी है मैम, यार ये देखो जी कितनी कूल है। एक मिनट बैठ बैठ के पहनते हैं ना, जरा आप हटे भाई, आप जगह ही नहीं दे रहे, आप मुझे उठा उठा के देते जाएं, जाएं जरा कोई अच्छे अच्छे डिजाइन, वो मरून है ऊपर से वो उठा के दे, ये भी निकालेगा मेरे साथ मरून वेजेस। आप बनीता तुम भी ट्राई करो ना यार, ये अच्छी है बनीता, देखो ये कितनी अच्छी है। ये लग रहा है कोई, क्या लग रहा है किसी को ब्रांड को पहना हुआ, माइकल कॉर्स वगैरह है ना, इज टू गुड। ये कैसी लग रही है, मतलब वॉकीज तो मैंने अपनी, पता है शादी पे ना जहेज में जितनी भी जूतियाँ ली थी ना सब वॉकीज से ली थी, हाँ पैसे जमा कर करके, सब मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं होते थे तो, लेकिन फिर भी उस वक्त भी अच्छी थी। देखो ये कितने अच्छे ऑफिस पंप्स हैं, अभी यहाँ पे तकरीबन सारी जो है न्यू कलेक्शन की सारी इंपोर्टेड क्वालिटी आ रही है, जो ऑफिस के इंपोर्टेड क्वालिटी आ रही है, ईद कलेक्शन आ गई सारी आपकी, तकरीबन हमारी सारी आ चुकी है, दिखाना ही वाला नहीं तुम्हारे पाँव, पता नहीं है ये तुम्हारे पाँव पे अच्छा लगेगा, नहीं उतार दो, बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। उरुसा तुम्हारे पैर के लिए आई, मैंने निकलवाए अपने लिए थे, तुमने पहन लिए, सॉरी बैठ के पहने, मुझे साइज नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा साइज है। मैं पहले सब तो दिखा दूं, मंगवाओ हमसे जल्दी, इनको आके जल्दी से दुकान से, ये देखें ये वाले कलर है ना। एक और भी बात है, जैसे कुछ इस टाइप की जूतियाँ होती है ना उसमें छोटी सी जो हील्स होती हैं, और इसमें भी ये लोग बड़ा पहनते हैं, ये कैसे पहनते हैं, मैंने लोगों को बड़ा पहने में देखा, नहीं ये मुझे मतलब ये पता है ये कब पहनने वाले होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं जब आपको क्लोज करना होता है आपके साथ ना, अली सफीना वाले लंबे एक्टर्स होते हैं तो फिर ये अहमद हसन लंबा होता है तो आपको क्लोज के लिए आपको थोड़ी सी हाइट चाहिए होगी तो फिर आपको ये देखो ना इसके अंदर पैरों की शेप नहीं, मेरे तो ये नहीं अच्छी लग रही, पैरों की शेप नहीं अच्छी लग रही। अच्छा पता है क्या, ये वाले जूते जो है ना शरारे जब पहने ना आप तो शरारों के साथ गुड आइडिया, हाँ शरारों के साथ जूते नजर नहीं आते और आपको कद भी लंबा चाहिए, हीले ना शरारों में घुस घुस के शरारे फाड़ देते हैं और कुछ पता भी नहीं चलता नीचे आपने हील पहनी क्या। शादी में जो मैंने वलीमे का जो मेरा बहुत एक्सपेंसिव जूत हील थी वो मैं पहन के सिर्फ इंटर होते होते मेरे पाँव कट चुके थे और फिर मैंने गाड़ी से मंगवाए थे ब्लॉक हील्स और फिर मैंने वो पहने थे, क्या प्यार है। हाँ ये किसके पाँव के लिए, ये मैंने कहा था मुझे, अच्छा मेरे जैसे जैसे मेरे पाँव जो है ना जैसे वो थोड़े से चौड़े और बड़े हैं तो हमको ना ये वाली जगह छुपानी, नॉट बैड आई लाइक इट, दोनों ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही वेरी बैड रियली। दिखाओ क्या आप लोग क्या कहते हैं कि बुरी है सिल्वर कलर की, मेरे पास कोई सिल्वर जूती नहीं है, क्या हो गया, क्यों तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, रख दो वापस। अच्छा चेक कर सकती, ये भी न्यू डिजाइन है बनीता, ये देखो मैं ऐसा लग रहा है पैर में कुछ पहना ही नहीं, बोल लगा के ऐसा लग रहा है जैसे बाकी तुमने पैरों पे बोल लगा लिया निदा। दूसरा पाँव दो उरुसा, तुम दिखाओ, तुम पहन के दिखाओ उरुसा कैसी लग रहा है, उरुसा को दिखाओ जरा जूतियां पहन पहन के, उरुसा ये बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से, तुम्हें ये लेके केटो के पहाड़ पे चढ़ना चाहिए, ये लीजिए कितने कंफर्टेबल है, नहीं वैसे देखो ग्रिप बहुत अच्छी, जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं ये जो आपकी भूख प्यास दिखा रही है मिट जाती है मेरी। अच्छा बताएं भाई कैसी है, हां निदा ये बहुत कूल है,
है ना, ये एक मुझे मेरी पतली पतली उंगलियां बाहर आ रही है। नहीं ये अच्छी लगी मुझे चीज, बहुत अच्छी अच्छी भाई। इस ये ईद की कलेक्शन तो लगता है वॉकीज की सारी शूज निकल जाएंगे। और मुझे तो ये बहुत रुसा, हमें तो निकालो पहन के, तुम खुद ही देखी जा रही हो यार, मुझे काट रहा है पीछे से, ये वॉचेस की भी हमारे पास न्यू कलेक्शन आई है। ये मुझे लग रहा है मम्मी टाइप है। हाँ ये थोड़ी मम्मियों के लिए, ग्लासेस वगैरह में देखना चाहिए सबके लिए है। ग्लासेस वगैरह में देखना चाहिए तो ग्लासेस, आप कैमरे के सामने आके इतने अच्छे लग रहे हैं, बैग आपकी आ रही है, सारी जुतियाँ छुप गई हैं, आप कैमरे से इधर आ जाए ना। हाँ वही मैं कह रही हूँ, कितनी दफा हम आपकी शॉप पे आ चुके हैं लेकिन अभी आप लोग नहीं सीखे। हाँ फिर भी आप लोग सुधरते नहीं है। हाँ ये नहीं अच्छी लग रही है। अच्छा भाई कितने पैर दिखाओगे, जूतों का इश्तिहार ही मिल जाएगा मुझे। कोट शूज वगैरह बैग भी देख लीजिए, बैग्स की तरफ चलते हैं। बैग्स देखते हैं, यहाँ पे घड़ियाँ भी है, घड़ियाँ भी है। अच्छा बैग्स हमें दिखाएं, हमें पहले कैजुअल बैग्स। ब्रेक आ गया, अभी तो हमें बैग्स भी दिखाने थे, क्या करें, ब्रेक पे जाएं कि बैग्स दिखाएं? चलिए जी ब्रेक पे जाते हैं, फिर आपको दिखा देंगे बैग्स थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये मुझे नहीं होस्टिंग करने देंगे यार। अब हम बैग्स की तरफ चल रहे हैं, जो और सबसे पहले तो मैंने जो बैग उठाया है ये सूटकेस, ये देखे जरा बालाज के लिए, कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, ओए होए होए, कितना और कितनी स्पेस है अंदर। हाँ ये देखो, ये चीजें अमेरिका से नहीं लानी चाहिए, पाकिस्तान में भी बहुत। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत शॉप में आना ही नहीं चाहिए। ये प्लीज रखे, आज हम बैग्स की भी चले। अब हम मैं आपको क्लचेस भी दिखा रही हूँ और बैग्स भी दिखाएंगे। चलो बनीता अपने पसंद पसंद के क्लचेस उठा उठा के दोनों ये जरा उठाएंगे, आई गिरे ना सर पे, कोई हाथ जरा उठा के दिखा, ये बड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। ताला चाबी भी है, इसमें आप ताला भी लगा सकते हैं, कोई भी आपका खुलेगा नहीं। ये वॉकिस ने तो बहुत ज्यादा कमाल कर दिया है, ढिंचाक है ढिंचाक, ब्लैक कपड़ों के साथ मुझे ये ब्लैक कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये भी, ये बहुत अच्छा लगने वाला है, दिखाओ। सुनो वैसे आजकल क्लचेस का बैग्स का फैशन है इस तरह के, नहीं इस किस्म का फैशन है जो आपने बैग्स के बड़े बड़े चीज का फैशन है जो आप कैरी करते हुए अच्छे लगते हैं। काले कपड़े पहने ना, मैं सोच रही हूं प्रीमियर के लिए ले लूं। हां ये ले, आई लव यू के प्रीमियर के लिए। बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल प्लेन ब्लैक कपड़े पहनती हूं, उसके ऊपर ये। ओ गॉड बहुत अच्छा। इससे पहले ना मुझे तो डबल शॉपिंग करनी है ईद के अलावा प्रीमियर की शॉप पे, तो मेरे ख्याल से देन यू गो फॉर दिस लॉट है। बाहर से लेते ना हम कंपैरेटिवली तो बहुत महंगा मिलता, लेकिन और भी न्यू बैग आए, सारी न्यू कलेक्शन आएगी, सारी न्यू कलेक्शन, सारी न्यू कलेक्शन। देखिए अगर किसी को इतना बड़ा नहीं पसंद है तो ये छोटा बेज कलर में, आप हटेंगे थोड़ा सा ताकि हम पीछे से देख सकें। थैंक यू। हाँ ये देखें, ये कितना प्यारा है, उफ कितना डिसेंट है ये ना, बहुत अच्छा है। ये देखें ये कितना हसीन है, फ्लोरल, ये तो देखे जरा, बनीता ने पसंद किया है ये अंबर के लिए, अंबर के लिए इसके अंदर उंगली डाल के अंगूठी भी बन जाती है। अंबर की वाकई बहुत याद आ रही है, अंबर नहीं लेकिन अंबर का नाम है, पैसे मांग लेंगे अम्मा, मेरा नाम यूज किया है। दिखाओ बनीता, ये देखें दो कलर्स, दो कलर्स है उसके अंदर, ये वाला दिखाओ, किसी को कोई मारना भी हो तो आप यूं भी मार सकते हैं। वैरायटी दिखा रही हूं, ये तुम क्या फूल छुपाना चाह रही हो? नहीं कोई छीन नहीं सकता आपसे ये पर्स, क्योंकि ये आपकी अंगूठी है। रिंग वॉलेट है मैम, वैसे ही इसमें और भी डिजाइन है इसे साथ रखे हुए, ये देखो। अच्छा ये तो है, किसी को अगर नहीं चाहिए रंग बिरंगा तो सिल्वर भी वगैरह में भी है, व्हाइट में सिल्वर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कमेटी पार्टी पे आए हुए तो ये जरा अच्छा, कमेटी पार्टी यहां शोशा, वेरी नाइस। अच्छा आजकल जो चल रहे हैं ना, हम आपको वो दिखा रहे हैं, ये क्या, ये इम्पोर्टेड आइडल है ना, ब्राइडल में, ये इम्पोर्टेड में जी हां। इम्पोर्टेड कहाँ से आता है ये? थाईलैंड के हैं ये। अच्छा ये थाईलैंड के, ये कितने का होगा ये? तकरीबन ये आजकल बड़े लोगों के कपड़े हैं। अच्छा और ये ब्राइडल, ब्राइडल पे जो है वो आजकल ये चल रहा है, कलर है। और इस तरह के कपड़े बड़े होते हैं आजकल, ये कितने का? बैग्स पे आ जाओ बस, आपने इसकी प्राइस क्या बताई थी? बस 2500। ये 10,000 का है भाई, ये क्योंकि पाकिस्तान में नहीं बना, थाईलैंड में बना है, तो ये है 10,000 का। 8,000 का बैग, इतना भारी है ये तो? हाँ दुल्हन इतने बेचारे भारी कपड़े पहनती है, इतने भारी पर्स, जुल्म होता है उसके ऊपर। और कौन सा है? सारे ब्राइडल हैं, सारे ब्राइडल और मेटल के हैं। यार ये इतना मजे का लग रहा है, दिखाओ जरा।
ये बनीता को बहुत मजे करके, बनीता तुम किसके साथ पहनोगी? ये वैसे ही अपना जीन्स और टी शर्ट पहनी हो, व्हाइट कलर की टी शर्ट और जीन्स, बिल्कुल प्लेन कपड़े हो तो उसके साथ अच्छा है ना। अच्छा और हम आपको और दिखा रहे हैं, रुके हम यहाँ पीछे से जरा अच्छे से लेकर आते हैं, सामने से हटे भाई, ये देखे ना ये हमारा बिल्कुल पाकिस्तानी रीजनल टाइप। वो कैमरा कहीं चला गया जी, वो ढूंढ रहे हैं आपको। वो कैमरा उधर मत ले जाओ, उधर लाइट नहीं है, किसी को नजर नहीं है। के फॉर्म में बना हुआ है ये, वॉकीज का अपना ही डिजाइन, आर्ट के फॉर्म में। ये तो आज इतना मजा आ रहा है, छुपन छुपाई खेल रहे हैं हम। अब मैं दूसरा पर्स लेके जा रहे हैं, जरा अपनी पसंद से चूज करो ना। क्या मुझे ऑनेस्टली मुझे ना ऐसे वाले जो बैग है ना, क्या मुझे मुझे इतने फैसिनेट नहीं करते हैं ये वाले बैग। अच्छा और भी क्लचेस हैं यहाँ पे, ये अंगूठी वाला क्लच है, डायमंड डीज की सारी न्यू कलेक्शन आई हुई है। मुझे तो ये पसंद आया, ये आप कैमरे से दिखा सकते हैं क्योंकि मैं इतने सारे उठा उठा के मेरी उंगलियाँ, ये इस टाइप के बैग जैसे लटकाए हो ना, ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ मुझे तो पसंद है। ये कैसे लटकाते हैं वैसे, इसका तरीका क्या है? कौन से वाले दिखा रहे हैं? लटका सकते हैं ये वाला है उरुसा, ये देखो ये मुझे तो इस तरफ से ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये भी मैं बहुत गॉडी है, तो मुझे तो उसी तरफ से बहुत गॉडी है, डायमंड डीज वगैरह ये न्यू डिजाइन आया है, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है यार, आई लाइक इट। एक जिसको बहुत ज्यादा चाहिए जरा नगवाग जरा ज्यादा शादी में, ईद पे ये सही है। इस तरह के और कहाँ लटके हैं ये इधर आए ना, ये यहाँ पे बहुत सारे मजे के लटके हैं वाले, कुछ पर्स है जो की प्लेन भी है। निदा हाँ दिखाओ जरा, मैं इधर आओ निदा, और ये देखो ये कितने मजे का है, दिखाओ ये लटकने वाले, दिखाते ना जरा, इससे पता पतली लुक आती है ये। हाँ, स्लीक लुक आता है। ये सारी हमारी न्यू कलेक्शन आई हुई है, जितनी भी है स्टोन वगैरह डायमंड टीज वगैरह हो गए, बैग्स वगैरह में तकरीबन सारी न्यू कलेक्शन हासिल हुई है एकदम। हाँ, आप देख सकते हैं इस तरफ बैग्स वगैरह भी माइकल कोर्स सेंट के। ये देखो ये कितना मजे का बैग है, कैमरा ये देखिए, बारह ये देखिए भाई, ये चमक धमक वाला है, ये तो बच्चों के लिए सही लग रहा है मुझे ना, मेरी हाँ ये देखिए ना, ये निदा ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बड़ा अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये कैसा है, इस किस्म के भी YSL की कॉपी होगी ना? हाँ, कॉपी है थाईलैंड की, ये से ये माइकल कॉर्स की कॉपी है। हाँ ये YSL की कॉपी, बहुत अच्छा, अच्छी बात है बता के दे रहे हैं कॉपी है भाई। हाँ झूठ नहीं बोल रहे, कॉपी भी हमारे पास आती तो वो इम्पोर्टेड होती है, थाईलैंड से इम्पोर्ट की होती है। अच्छा कॉपी भी इम्पोर्ट जी। अरे ये देखो जरा, एक मिनट इधर है, अरे ये कुछ दिस इज फंकी, दिस इज वेरी नाइस, ये हाँ ये कितना डिफरेंट है, एंटीक टाइप जी, ये एंटीक लुक में है। और ये देखो ये भी अच्छा है, शॉर्ट में अगर आपको छोटे में चाहिए तो ये डिजाइन, फुलवारी देखो, ये फुलवारी जो है ये लॉन के कपड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है, जब आप किसी 5C में लटक के जा रहे हो। बस नादिया ले सकते हैं, नादिया हुसैन तो अच्छा कैरी करती है, नादिया तो अफ्रीका चली गई। अच्छा चले जो हम अभी जा रहे हैं बॉडी शॉप पे, क्रीम्स दिखाओ, गोल्डन में है ये भी न्यू डिजाइन, ये गोल्डन में भी ये बहुत अच्छा है जी। अब हम जा रहे हैं बॉडी शॉप पे और वहाँ पे हम आपको क्रीम्स, खुशबू वाली क्रीम्स, मेकअप की चीजें, नई लेटेस्ट परफ्यूम, मतलब नई लेटेस्ट सेल, जन्नत में जा रहे हैं इस वक्त जी, खुशबू है ना, वो खुशबू हर तरह, इतनी कोई खूबसूरत दुनिया है वो जहाँ हम जा रहे हैं, बिल्कुल आइए, सब मुस्कुराते बहुत मुस्कुराएंगे हम, आइए जी। कैमरे वाले थोड़े से और पीछे हो जाए तो हम जल्दी से जाएं, कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छा आप आगे रहेंगे, हम तो पीछे से निकलने की कोशिश में थे, ये उरुसा की ख्वाहिश थी कि हम वॉक करते हुए, हम क्योंकि शॉपिंग पे आए तो हम वॉक करते हैं, और ये मेरी दुकान पहन के आई थी, ये इसी का इंतजार कर रही थी, खुशबू खुशबू है हर तरफ, खुशबू अच्छी लग रही है, आप लोग को अच्छी लग रही है, इतनी मैं क्रीम्स अपने लिए लेके आई हूँ, ओ माय गॉड साकिब, साकिब ये क्या चीज है, सुने माइक है आपके हाथ में, एक भाई माइक तो दे दो कोई, माइक भेजो, ये आप हमें बताएंगे, बिकॉज़ मुझे सबसे पहले बताइए मसाज करने के लिए कोई, ये फेस मसाज है, फेस मसाज है ये जो है, ये आंख में भी इसकी भी कर दीजिए लाइक दिस, ये जाएगा इसके ऊपर भी, आँख के लिए यहाँ पे भी, फिर ये यहाँ पे भी जाएगा, मेरा मेकअप ना खराब कर देना, काला आईलाइनर मैं बहुत हल्का हल्का किया है, लेकिन ये मजे का, पता नहीं आला नहीं लगा, ये कितने का है, तो ये क्रीम लगा के करना होता है,
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे पार्क टावर्स में और यहाँ पे निदा यासिर हमें शॉपिंग करते हुए मिल गई हैं। आइए चल के इनसे बात करते हैं कि वो ईद के हवाले से वो क्या शॉपिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या कहना चाहेंगे आप, आज कौन सी शॉप पे और क्या खरीद रही हैं आप? एयरवाई न्यूज से आई हैं? नहीं, मैं एयरवाई डिजिटल से ही हूँ, लेकिन इनमें एक सेगमेंट आया है एयरवाई डिजिटल का जिसमें हमें छुप छुपा के जो सेलिब्रिटीज ईद की शॉपिंग कर रही है हम उन्हें पकड़ रहे हैं और हमें निदा जो है यहाँ पे मिल रही है। निदा बताइए ना प्लीज, आप क्या आज बॉडी शॉप से आप क्या एक्चुअली? वो मुझे बहुत पसंद है खुशबू है क्रीम्स और इन्होंने फेस मसाजर ढूंढा है, ये जो नेक की मसाज के लिए, ये किस चीज की मसाज के लिए, ये क्या आई मसाजर है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आप इनको माइक थोड़ा दे दे सकते हैं? मैं अपना जो है वो माइक देना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? हु आर यू? शॉप मैनेजर। ये इसके बारे में बताइए जरा, ये नई चीज लग रही है। ओ, ये मैग्नेट एक का है, ये देखो, ये आंखों के ऊपर मसाज करने के लिए कि आप कभी बुढ़े ना हो। नहीं, बेसिकली ये वाकई ही एंटी एजिंग है, बट इसके साथ लुब्रिकेंट है, ये अप्लाई करके आपको नाइट कैमरे, में मुझे नहीं बताएंगे, आपको नाइट में बेसिकली ये अप्लाई करना होता है और नाइट में मसाज करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे इससे आपको। क्या अच्छा है? एक चीज आप बताएं, एंटी रिंकल क्रीम बताएं। देखो हमारे मियां तो हमारे पैरों की मसाज तो करेंगे नहीं, वैसे 30 प्लस के लिए हमारे पास देखो खुद ही कर लो, कुछ तो वो करो, खिदमत करो बीवियों की। बेस्ट पूरे वर्ल्ड में ये हमारे पास ड्रॉप्स है। अभी अभी इन्होंने मुझे बताया है कि पूरे वर्ल्ड में ये बेस्ट है एंटी रिंकल क्रीम। जैसे लड़कियां जब, जैसे उन्होंने कहा मैं भी लगा सकती हूँ रिंकल से बचने के लिए, जैसे आप 30 क्रॉस करें या तो आपको आई गेस लगाना शुरू कर देनी चाहिए। नहीं, सही कि ये वर्ल्ड की बेस्ट आई रिंकल क्रीम है, बॉडी शॉप की, ये वर्ल्ड की बेस्ट है। पहले तो ये खाली ड्रॉप ऑफ लाइट से मैं यूज कर रही हूँ, बड़ी अच्छी है वैसे। ये व्हाइट में आते थे, अब ग्रीन में भी आना शुरू हो गए। नहीं, ड्रॉप्स ऑफ यूथ है ये। क्वालिटी इतनी अच्छी और ये जल्दी ही नहीं खत्म होता कि मतलब महंगा परफ्यूम लिया है तो चार दिन इस्तेमाल किया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब ये आंखों पे क्रीम लगा के ना उसको ये मसाज करते, इतनी मजे की नींद आए। खुद ही कर लो, किसी से मिनते करने की जरूरत नहीं कि मेरा मसाज कर लो, मैं तो घर जाके करूंगी कसम से। अरे ये तो बहुत मुझे नींद आ रही है, सहरी करके जो है ना वो शो करते हैं हम सुबह सुबह, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। हाँ तो ये बड़ा अच्छा आंखों को, आंखें रिलैक्स होती है। कितना है? 2500 समथिंग तो सही है, नॉट बैड। विद 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 जेल? नहीं, जेल कितने? जेल के साथ कितने का हुआ? जेल के साथ ऑलमोस्ट 5000। ये ऑयल ऑफ लाइफ क्या है? ऑयल्स ऑफ लाइफ बेसिकली ये भी रिवाइटलाइजिंग के लिए आपके नेटिव सेल्स को एक नई जिंदगी देता है, रिजनरेट करता है, डिहाइड्रेशन के लिए भी और एंटी एजिंग भी है। क्या क्या है, किस कहाँ लगाना होता है? फेस के लिए सारी प्रोडक्ट्स। और ये गोरा होने के लिए विटामिन सी वाले? विटामिन सी रेडियंस एंड ग्लोइंग इफेक्ट के लिए है, मतलब कि गोरा होने के लिए ना। जी हाँ, टैनिंग को रिड्यूस करता है ये। टैनिंग जो आपकी हो जाती है, ये मेरे टाइप क्रीम है गोरे रंग के, जिन्होंने पकौड़े तल के स्किन को टैन कर लिया है उनके लिए फेस वॉश है, पूरी रेंज है। स्क्रब 15 डेज कर सकते हैं और जो के फेस वॉश है वो डेली कर सकते हैं। इसकी ये आई रिवाइवल है। अच्छा, आई रिवाइवल, इस आई रिवाइव होती है मतलब कि आंखों के हल्के खत्म करने के। बिल्कुल, इसकी ड्यूअल प्रॉपर्टीज है इसका, इसके टेस्टर नहीं। अच्छा, इसको हल्कों पे लगाना है? हल्कों पे लगाएंगे, ये हल्के खत्म हो जाएंगे। ये भी डल स्किन के लिए कितने अरसे तक में हो जाएगा? 28 डेज का हम क्लेम करते हैं, 28 टू 40 डेज में ये कवर हो जाता है। अच्छा, गिफ्ट भी है ना, बताए अपने अम्मी अब्बू को, दीदी दे तो वो क्या करते हैं, आगे पास कर देते हैं। तो अगर अपनी अम्मी को आप ये दे देना, ये उनके लिए ऑयल ऑफ लाइफ, तो ये कितना अच्छा है। देखो अम्मी के लिए गिफ्ट, ये दोनों में, दोनों में क्या क्या है इसमें? ये क्या एंटी रिंकल है? सीरम है और इसमें क्रीम है, नाइट क्रीम है। It's a cream, just a cream. कभी भी लगा सकती हो, बस वो wrinkle revitalize करता है। और कौन से age के लिए? 40 plus को भी recommend करती है। 40 plus, 60s. तो ये मम्मी के लिए अच्छा। यार ये मम्मी के लिए gift मुझे क्यों नहीं मिला? 50 plus के लिए, ये 40 plus के 50 और specific 40 plus के लिए ये pomegranate भी है। और 50 plus के लिए? All the flight. Oh shit, it's okay. टूटा तो नहीं ना? नहीं टूटेगा। टूटेगा नहीं, वो हमने डेमोंस्ट्रेट करके दिया ना कि इनकी बॉटल्स कितने खत्म हो पैक ऑयल ऑफ लाइफ। अच्छा, और अच्छा मेकअप दिखाएंगे अपना?
या अभी दूसरी मेकअप देखे क्या देखे, तो पागल हो जाते हैं ना बंदा यहाँ आके, समझ नहीं आता। रमजान के गिफ्ट सेट देख सकते हैं आप, नए हमारे गिफ्ट सेट कैमरे के आगे वाले हैं। ये रमजान के गिफ्ट सेट, दिस वन, ये है, ये रमजान के गिफ्ट सेट्स। इसके अलावा ये नए गिफ्ट सेट्स हैं। क्या रेंजेस होंगे इन गिफ्ट? अरे सुने, डील आई हुई ना कोई, मुझे मैंने दुबई में देखी थी, डील चल रही थी, डील्स आई हुई हैं। प्रमोशंस तो हमारे बहुत सारी चल रही हैं। आप क्या चल रहे हैं कि बाय टू एंड गेट वन फ्री? नहीं, हमारे पास ये प्रमोशंस नहीं होती। पाकिस्तान से बाहर किसी भी आप मुल्क में जाए तो वहाँ बाय वन गेट वन और सब होता है। पाकिस्तान में जो हम लोग प्रमोशंस रेकमेंड करते हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। जैसे हम राइट नाउ अभी कर रहे हैं प्रमोशन GWP की, गिफ्ट विद परचेज, तो उसमें होता है ये कि आप 6000 की शॉपिंग करते हो, हमारे पास 6000-7000 तक की वर्थ के गिफ्ट सेट है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे कि कौन से? मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, देखे गिफ्ट देखते हैं कि गिफ्ट आपको फ्री में क्या मिल रहा है। यहाँ 6000 की शॉपिंग पे ये क्लच बैग है, इस तरह से ट्रीट्री का, इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं और इसके अंदर क्या है, वर्थ रखते हैं 6000 की, 5000 की वर्थ की प्रोडक्ट्स हैं बीच में। इसमें परफ्यूम है, एक परफ्यूम आ गया। गुड, ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं? जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेल कलर 6000 खरीदने के बाद तो 6000 आपको वापस मिलेगा, परफ्यूम भी तो मिल गया ना आप ही किसी को। एंड 9000 की शॉपिंग पे ये खूबसूरत सा क्लच है, दिखाएं। इसमें भी कुछ ना कुछ है, इसमें बिल्कुल प्रोडक्ट्स हैं, वर्थ और इसकी वर्थ एटलीस्ट 10000 तक की इन प्रोडक्ट्स की। कोई क्रीम है, परफ्यूम, परफ्यूम है, ठीक है। एक बड़ा परफ्यूम है, एक छोटा परफ्यूम है, तो आपको ये मिलेगा। भाई हर बार मुझे कभी कुछ नहीं मिला, मैं जब भी आप आए यार, आपको गिफ्ट देंगे हम, पैसे जमा कर करके ना मॉर्निंग जो की। रमजान में स्पेशल, हर रमजान में हमारी ये प्रमोशंस होती है, तो रमजान में नहीं आती ना मैं, रमजान से पहले शॉपिंग कर लेती। अच्छा, और ये क्या है, ये इस पे लगाने के लिए चीक्स पे? ये वेलवेट स्टिक है जो कि चीक्स एंड लिप दोनों पे अप्लाई होती है, मैट है ये। ये टेस्टर है? हाँ, ये टेस्टर है। कितना मजा का लग रहा है, क्रीमी टेक्सचर है इसका, बेनिफिट का यूज करती है ना, हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये देखिए, ये कितना अच्छा गाल गाल, ये है क्या ये, या आप स्टेनर है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, ब्रेक पे जा रही हूँ ना, अभी एक अच्छी चीज दिखा रही थी, ब्रेक पे जाऊँ, ब्रेक के बाद आके यहाँ हम देख सकते हैं चीजें। अच्छा ठीक है जी, एक छोटे ब्रेक के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं, और ब्रेक के दौरान मैं आपके लिए और अच्छी चीजें ढूंढ के रखूंगी जिससे आपके अंदर से खुशबू है हरदम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम यहाँ इस वक्त पाक टावर्स पे मौजूद है, मैं, उरूसा और बिनीता, हम तीनों मिलकर शॉपिंग कर रहे हैं और आपसे पूछते भी जा रहे हैं हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। थैंक यू कि आप हमें जवाब देके बता रहे हैं, और हमारी चॉइस जो है करना, हमें चूज करना चीजों को, हमें और आसान बना दिया आपने। कर रहे हैं हमारी। अब हम कुछ मेकअप्स की तरफ आ रहे हैं और आपको मेकअप की चीजें दिखा रहे हैं। एक तुमने वो उठाया था ना स्टेनर, जरा उसका मुझे वो दिखाना टेस्टर। स्टेनर तो भाई मैंने लगाया है। एक उरूसा ने लिया जो बगैर मेकअप के, आपको जब आपको जाना है कहीं, ठीक है, और आप मेकअप नहीं करना चाहते, खासतौर पर रोजा रखा हुआ है आपने, तो आप खाली ये चीज आप अपने गाल पे लगा लें, और ये फील भी अच्छा कर रहा है, मतलब कि वो नहीं, गाल पे लगा के आपने इसको मर्ज किया तो ऐसे आपकी गाल लाल हो जाएंगी, नेचुरल सा लगेगा, नेचुरल बहुत, और इसकी खुशबू इतनी आला है जिसकी कोई हद नहीं है। कितने का है भाई? 2190 का, 18 महीने चलेगा। तो ये बड़ा अच्छी मुझे एक चीज लगी जो मैंने आपसे शेयर की है कि लोगों की डिहाइड्रेटेड स्किन हुई हुई है, रोजे की वजह से पानी पीना कम हुआ है, तो एक बहुत अच्छी नई चीज लगी मुझे। ये डिहाइड्रेशन के लिए और भी हमारे पास क्रीम्स हैं जो कि डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। क्या चीज? क्रीम्स हैं डिहाइड्रेशन के लिए जो बहुत अच्छी हैं। वो तो क्रीम्स मैंने दिखा दी, अब मैं जरा मेकअप दिखा रही हूं। आई कलर है ये, कितना अच्छा है यार, ये देखो, ये स्मोकी आईज के लिए, पैलेट मैं खाली ये खोलूंगी नहीं, मैं पैलेट दिखाना चाहती हूँ, ये स्मोकी आईज के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत शौक होता है स्मोकी आईज, उसका ये पैलेट है, और यहाँ इसके कलर हैं 1, 2, 3, बहुत जबरदस्त कलर्स हैं, 4, ये देखिए 4 कलर्स हैं इसके अंदर। ये तो आप स्मोकी ग्रे, कितना मजे का ये, ये सारे स्मोकी आईज के लिए आप कलर यूज कर सकते हैं, मतलब कि जिन जिन लोगों को स्मोकी आईज बनाने नहीं आती वो सिर्फ ये कलर अप्लाई कर दें तो स्मोकी आईज ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आप सस्ते कॉस्मेटिक्स लें और अपनी आंखें खराब करें, पैसे जमा करके आंखें क्या, स्किन क्या, एवरीथिंग, मतलब दिस इज अ प्लेस टू कम, मतलब मैं तो मुफ्त में स्पॉन्सर करने को रेडी हूँ, दिस इज हाउ मच आई लाइक दिस प्लेस। हाँ सेम हेयर, ये देखें कितने अच्छे आई शैडो, जो बात है, और आपकी स्किन खराब नहीं होती। ये मस्कारा हैं क्या, है ये मस्कारा
ये देखिए ना मस्कारा. अच्छा एक मैं आपको बताऊं, आप क्या करते हैं मस्कारा को ना बार बार यूं यूं करते हैं ना, यूं 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 यूं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं एक्चुअली, हवा डाल के खराब कर रहे हैं आप. नहीं हवा डाल, तो मैं भी करती हूं ऐसा. ऐसा नहीं करना क्योंकि तुम क्यों पागल हो. बस एक दफा डाला यूं यूं करके, यूं यूं अच्छी तरह घुमाया यूं, और उसके बाद मस्कारा लगा के निकाल लगा. नहीं अगर आप बार बार यूं करेंगे मैं तो यूं हवा चली जाएगी, हवा जाती जल्दी सूखता है. तभी मैं कहूँ मेरा मस्कारा से जल्दी ड्राई. अच्छा ये अलग अलग मस्कारा हैं, क्या क्या है? लॉरियल का मेरा बाप है. ये वाटर प्रूफ है. अच्छा सॉरी ये वाला वाटर प्रूफ है, ये वाटर रेजिस्टेंस है. अच्छा डिफरेंस दैट ओनली. ठीक है ठीक है. और ये क्या चीज है? ये व्हाइट पेंसिल है? नहीं पेंसिल नहीं है, ये काजल है. ये कैसा काजल है? व्हाइट काजल. ये हाइलाइटर है जो आप इस तरह से. निदा दिस इज गुड, निदा दिस इज वेरी गुड. एक्चुअली इनको पता नहीं है, मैं बताती हूँ, इसको व्हाइट पेंसिल कहते हैं. व्हाइट पेंसिल काजल की तरह से लगाते हैं. मेरा खबरदार, और हम इसे व्हाइट पेंसिल ही कहते हैं. ये आंखों को बड़ा दिखाती, जिनकी छोटी आंखें वो ऊपर पूरा आई मेकअप करके और आंखों के नीचे. ये देखिए अभी जरा दूसरा दिखाओ, एक आंख का डिफरेंस दिखाओ दिखाओ. देखिए एक आंख लगाया है अरूसा ने, और ये दूसरी अरूसा दिखाओ जरा. इसलिए कि ये वाइट नहीं, ये काली नहीं लग रही. नहीं नहीं आंख बड़ी लगती है. बहुत अच्छी पेंसिल है ये. यार ये क्या कितने की है? देना ना दूसरी आंख लगाऊंगी मैं. व्हाइट काजल ये तुम्हारी आंख से और अच्छी लग रही है. ये एक नई चीज है, ये पहले नहीं थी. कितने की है ये? ये 1900 समथिंग की है. डाल दो इसको है, थैले में डाल दो. मैं ये ले रही हूँ, खरीद रही हूँ मैं तुमसे. बंदा बहुत प्यारा है. तुम्हारी आंखें तो कमाल लग रही हैं. दिखाओ अरूसा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग. बंद मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया है आंखों पे, मैंने ये और क्या वो तो और खुल के और आंखें खुली खुली स्पेशली छोटी आंखें होती ना उनके लिए. ये तो मैं ले रही हूं. इकरा इकरा मेरा बैग दे दो. ये कह रही है इकरा तुम ले लो. इकरा बिल्कुल. अच्छा और नहीं बट दिस इज अ नाइस पेन. अच्छा चलो अब जल्दी से शॉपिंग हो गई ना, हम ज्वेलरी की तरफ चलें. फिर हम ज्वेलरी की तरफ चल रहे हैं. मैं ये आके ले रही हूं भाई. जी हां हां ले लेना आके. चलिए प्रमोशंस भी मिलेंगी. ठीक है प्रमोशंस भी मिलेंगे तो दो ना. मैं आ रही हूँ बस. माइक ले लो बच्चे. जी माइक दे दे. ज्वेलरी किधर है? आपका वक्त यहाँ पे खत्म हुआ, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद. बहुत अच्छा शुक्रिया. ज्वेलरी का ये मेहंदी भी है, मेहंदी भी लगा रही है. जी माइक देना. मेहंदी कब से लगा रही है? अभी कब लगाना शुरू हो गई है? अभी से तो लोग नहीं लगा रहे होंगे मेहंदी. नहीं अब छुट्टियां हैं, बच्चों के किड्स वगैरह लगवा रहे हैं. लगवा रहे बच्चे लगा रहे होंगे, लेकिन अभी लड़कियां नहीं लगवा रही हैं. वैसे रश होता है चांद रात को, बहुत होता है. और जिसका रोजा होता है उसकी रोजा खुशाई होती है, वो लगाने आते हैं. है ना? हाँ ज्वेलरी देखते आओ. बस खत्म. ये ज्वेलरी है, बहुत अच्छी लग रही है ना, लूंगी मैं. अच्छा मेरे भाई इधर माइक पकड़ ले. यार ये ज्वेलरी कमाल होती है कसम से. हल्की हो ना कान से इजी. ये जरा ये डब्बा दे दें, पूरा डब्बा दे मुझे. करीब से दिखाना है रुसा थोड़ा सा कैमरे को. बनीता ब्लॉक कर रही है मेरा, कोई कसूर नहीं है इसमें. रुसा यार कैमरा किधर है भाई? यार ये मेरी फेवरेट है ज्वेलरी. क्या कमाल होती है यार. मतलब अच्छा है. न्यू चीज मैंने नहीं देखी कभी. टर्किश ज्वेलरी है क्या है ये? कौन सी ज्वेलरी है भाई? आपसे पूछ रही हूँ ये क्या, कौन सी ज्वेलरी कहलाती है? माइक माइक करीब करें. ये पाकिस्तानी है. अच्छा जी सिंध का आइटम है ये. ये सिंध का आइटम है. मुझे तो टर्किश लग रहा है, लेकिन ये टर्किश. हाँ टर्किश लग रहा है. इतना कोई अच्छा है क्या है? मैं अपनी उतार के ना ये वाले मुझे दिखाएं जरा. ये दिखाएं ये. अरे झुमके भी हैं. ये मुझे झुमके मैं इतनी जगह खरीदने जाती हूँ ना, मुझे सही से झुमके मुझे झुमके बहुत लगते हैं. पकड़ ले भाई रखे हैं. ओ ग्रीन में यार ये वाले बहुत लंबे चलते हैं. कहाँ से उठाए? ये मुझे बहुत पता है. ये वाले ना ये इतने लंबे चलते हैं. ये जो ये वाला जो डिज़ाइन है ना इसका नेदा, दिस इज और ये तो बहुत क्यूट है. ये देख नेदा पहन के देखो जरा. ये तो मेरे इसके साथ भी जा रहा है. ये देखें ये पहनने के बाद दिखा किसी को. अरे देखो एक और शेप है झुमकों का. ये वो तो कॉमन शेप है. पता है हम तीनों के चेहरे पे झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं ना. बहुत हाँ छोटे झुमके. ये झुमके ऐसी चीज है जो बहुत जो ना हर किसी चीज पे अच्छी लगती है. हार भी है. यहाँ जो आपने उठाए थे झुमके वो ले लो ना तुम यहाँ से. यार वो कहाँ है लड़की? ये पकड़ो. हेलो ये अल्लाह मुझे दे दो. देखो ये कितने प्यारे हैं. ये क्या हिसाब है? किधर है भाई? सो गए हैं कहीं? जी जी ले ले. हाँ बताएं नाम बताएं आप. मतलब इसका बताएं क्या प्राइसेस है. देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं. ये वाले भी प्राइस बता दो. सरोज जी जी कौन कौन से लेंगे आप? ये वाले जी जी ले ले मुनासिब कर लेंगे आप ले लें. क्या शीशा दिखाएं मुझे. शीशा दिखाना. शीशा है यार इनमें से कौन से अच्छे हैं?
यार सारे ही अच्छे। भैया तुम्हारा नाम क्या है? सारे ले लूं। सईद। सईद तुम्हारी ये शॉप कितने अरसे से और ये सामान कहाँ से लाते हो? ये नहीं पूछा। हु आर यू सईद? सईद हु आर यू? मुख्तलिफ जगह नहीं, आप दुकानदार सही नहीं लग रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता अपनी दुकान के बारे में। माइक दीजिए, मैं अभी इनको पकड़ती हूँ। ये आप कौन है मुझे बताएं, आप कहाँ से लाए सामान? मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। कौन सी मुख्तलिफ जगह? आप किधर के हैं? हंजा के कहाँ के हैं? नहीं जी, मैं पंजाब का हूँ। पंजाब से लाए हुए? जी जी, नहीं पंजाब से नहीं, सिंध से लाते हैं। सिंध से लाते हो? Who are you? Where are you from? You are not a real person, I think. आपको दोस्त लाया है? Where are you from? बताओ ना कहाँ से लाए? आपने कहा आप सिंध के हो, ये पंजाब के हो? मैं पंजाब का हूँ, ये सिंध से लाते हैं। अच्छा, एक मिनट इधर आए जरा, प्लीज इधर आए सर, इधर आए। गाल बुदा था, इधर आए, इधर आए। ना ना ना, ये बुदा था यार, ये भी गिलगिती लोग होते थे, ये पंजाबी कैसे आया यहाँ? मुझे लगता है इसने हाईजैक किया है जगह। ये ओफ निदा, ये कितनी मजी की चूड़ियाँ, बहुत बहुत अच्छी लगी है। मैं लगी हुई लोगों को कि भाई ये, हाँ नहीं नहीं जरूरी है। अच्छा भैया, ये कितने की है? ये ले लें जी, 500 की। 500 इतनी महंगी दे रहे हो, सस्ती करो इसको। ये क्या है? कर लेंगे आप। ये क्या घड़ी है हाथ में पहनने की? ब्रेसलेट है। भैया इसको कम करो जी। कर देंगे आप, ले लें आप। कितने की दोगे? वो कह रहा है अल्लाह का वास्ता, ले ले पहले। 400 भैया मुझे ये बताओ, ये कितने की दोगे? 400 में दे दूंगा। नहीं, मुझे 200 में दे दो। तुम तो पंजाब से लाए हो ना? नहीं आता जी समझ में। नहीं, 200 में लूंगी। कितने क्यूट है? क्यूट है, और मैग्नेट की है देखो। हाँ, कितनी क्यूट है। ये कितने की सुने? मुझे शॉपिंग करने से ज्यादा मजा आ रहा है इस भैया का इंटरव्यू लेने, क्योंकि ये बहुत छुपा रुस्तम लग रहा है। मुझे कुछ सच सच नहीं बता रहा, सब झूठ बोल रहा है। 400-500। ये मोर वाला हार देखो निदा, मोर वाला हार। मैं तो अभी सब लोगों को घर दिखा रही हूँ, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, छोटी छोटी पाकिस्तान। ये देखें नाजरीन, ये अगर आप कांटेदार हार पहन के जाएं और अगर कोई आपको तंग कर रहा हो तो वहीं से बोलो कि जान से मार दूंगी। ये है सबको अफ्तारी के ऊपर बुलाने के लिए। ये देखो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं भाई। ये देखें, आप लंदन से ले जा रहे हैं, आपको कितनी महंगी मिली? बहुत महंगी चीजें लेकर आई है। मुझे तो सोचा जिशान के लिए भी यहीं से सस्ता से कोई चीज लेती, मैं इतना महंगा गिफ्ट लेकर आई। ढोलकी ले ली थी, ढोलकी लेके गाने बजाती आया बंदरा जीवे सारिया आया। अच्छा जी, हम बस हमारी शॉपिंग यहाँ आपके साथ अब खत्म हो गई है। अब ये सारी चीजें जो मनीता भी कर रही है, हम इसे खुल के एंजॉय करना चाहते हैं। अभी हमें थोड़ी सी शर्म आ रही है। भैया एक्सक्यूज मी, हु आर यू? शॉपिंग चढ़ गई है रमजान। मुझे बताओ आपकी शॉप कितने की होगी? सिर्फ एक एक दफा बता दो तो मैं चली जाऊं। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वनीता तो चुप नहीं हो रही है। पूरे दिन हम जो है वो शॉपिंग करेंगे। और मैं अब चैनमन नहीं जाऊंगी। कितने दिन तक नहीं जाऊंगी? एक साल तक मैं चैनमन नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज उन्होंने हमें बड़ा ख्वार किया है। उन्होंने बोला था सुबह हम खोलेंगे, आप लोग आइएगा और उनके दरवाजे बजाते रहे। एक बंदा अंदर सोता रहा, उसने हमें अंदर नहीं आने दिया। आपने बेडशीट नहीं थी? वेरी बैड ब्रांड का नाम खराब हो रहा है, यू नो। थैंक यू चैनमन हमें ख्वार करने के लिए। और थैंक यू, एक मिनट, वो शॉप वाला भाग गया। देखा, मैंने कहा था ना भैया इज रॉन्ग। तो आइए जी, पार्क टावर्स पे शॉपिंग कीजिए। सुबह सुबह मत आइएगा, दुकानें बंद होंगी। हमने बड़ी मुश्किलों से खुलवाई है। कितने बजे खुलेगा भाई? जा रहा है जुम्मे को 3 बजे और वैसे 11 बजे। ज़ारा जी, वो भैया कहाँ है? खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। भैया आपसे मिलेंगे मंडे को। चलो भाई आइए, भैया आइए, शॉपिंग करें हम।